Hello friends, we will start today's webinar. Today's topic, as usual, is various changes required in new bylaws. This is our second session. By way of introduction, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the society members. The website has very simple language articles, draft of applications, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. Please visit and support our website, chshelpforum.com. One of the objectives of conducting this Saturday evening webinar is various people can listen and understand from the comfort of their homes. Such webinars create a large social bonding, which is typically not possible physically. Note that social bonding is very much necessary to avoid disputes and live in peace. जैसे हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग में मानो 100 फ्लैट है तो वो यूजुअली आप देखोगे कि हार्डली कोई एक दूसरे को जानता है और पहचानता भी है. इनफैक्ट I'll request all members to keep their microphones on mute because it is causing a static disturbance and it disturbs other friends also. We are forming a bylaws reforms discussion committee. This group will be meeting after a few weeks, of course, on online via video conferencing, to discuss issues only and only specific relating to bylaw amendments. In that particular group, we will be discussing as to actually how to go about amending the bylaws. Today's webinars or subsequent webinars will be holding only ki aaj webinars mein hume typically kya kya ideas milne hai, logo ko kaise kaise changes chahiye webinar mein, wo sari cheeze hum discuss karte hain, wo points jama karenge. और बाद में अल्टीमेटली जब एक्चुअल बायलॉ कमेटी मीट करेगी तो उसमें वो चीजें फाइनलाइज करेंगे. वेबिनार में काफी लोग बोलेंगे लेकिन कृपया ये ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति एक बार बोलेगा. और आज के टॉपिक रिलेटेड ही हम बातचीत करेंगे और हम कोई भी पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल टॉपिक्स वगैरह हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं. हमारे बायलॉ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट फातिमा फौजदार. फातिमा फौजदार कई बार आ चुके हैं, लेक्चर दे चुके हैं, सब उनको जानते हैं और वही इस वेबिनार कमेटी के को नेतृत्व करेंगे और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सामने अपना हम लोग सब लोगों का प्रतिनिधि करेंगे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. सो माय अपोलॉजी सर, आई वाज अ बिट लेट इन जॉइनिंग टुडे, 2-3 मिनट्स लेट आई शुड से. ओके ठीक है. सो नाउ देयर आर मेनी टाइम्स सच क्वेश्चंस दैट कम अप टू मी. जैसे इलेक्शंस के बारे में कई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो हमें वो चेंजेस बायलॉ में करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीवेंसेस है, तकलीफें हैं लोगों की या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी मेंबरों के बीच में, वो जितना हो सके कम हो सके और सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन
या गवर्नेंस जितना हो सके स्मूथ हो सके। तो छोटी मोटी जानकारी रहेगी तो उतने तकलीफें कम हो जाएंगी। एक प्रश्न जो हमेशा ऐसा आता है बायलॉज के अंदर वो है कोरम ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। बायलॉ नंबर 113 में डिस्क्राइब किया है कि इतने मेंबर की सोसाइटी होगी तो इतने का कोरम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आई जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम द बायलॉज। ओके, तो बायलॉ नंबर 113 बोलता है कि अप टू 100 मेंबर की सोसाइटी होगी तो उसका टोटल स्ट्रेंथ होता है 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर का, इंक्लूडिंग द रिजर्व सीट्स। अब रिजर्व में तो सभी को पता है कि मिनिमम, नॉट मिनिमम, अप टू 2 वुमेन मेंबर्स का रिजर्व सीट है। एक एससी एसटी का है, एक ओबीसी का है और एक विमुख जाति वगैरह वगैरह का है। तो ये 5 सीट हर सोसाइटी में कितने भी मेंबर्स क्यों ना हो इतने सीट आपके रिजर्व है ही है। तो टोटल रिजर्वेशन होता है टोटल मिला के 5 सीट। अभी जैसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि भाई मेरे सोसाइटी में तो सिर्फ 9 मेंबर की सोसाइटी है, कोई बोलते हैं सिर्फ 13 मेंबर की सोसाइटी है, तो उसमें ये चीज कैसे करने का। तो बायलॉस नंबर 113 में लिखा है कि अप टू 100 मेंबर के सोसाइटी में 6 जनरल और ये 5 रिजर्व, तो टोटल तो 11 तो यहीं पे हो गए। और उसमें से कोरम जो है वो है 6 मेंबर का। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में सिर्फ 9 मेंबर हैं तो ये कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न निर्माण हो जाता है जिसका समाधान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एमसीएस एक्ट को एमेंड करके किया हुआ। मैं आता हूं थोड़ी देर पे उस पॉइंट पे। तो बायलॉज में ऐसा है कि 100 मेंबर की सोसाइटी में टोटल स्ट्रेंथ है 11, उसमें से कोरम होना चाहिए 6। वैसे ही अगर 501 मेंबर की सोसाइटी के ऊपर है तो टोटल एमसी स्ट्रेंथ होना चाहिए 19, जिसमें से 5 रिजर्व है वगैरह वगैरह। तो 19 में से जो कोरम होता है एमसी का वो 10 मेंबर का कोरम है। 10 मेंबर का ये, यस 10 मेंबर का ये। अब मानो किसी सोसाइटी में, जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देखा गया है कि आपके सोसाइटी में 100 मेंबर की सोसाइटी है तो भी मुश्किल से 7-8 लोग ही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वेबिनार्स में। फिर भी एक छोटा सा ऐसा है कि भाई जो भी मैनेजिंग कमेटी में आता है उसको जनरल बॉडी के मेंबर्स परेशान करते हैं, पुराने एमसी के मेंबर्स परेशान करते हैं, डिपार्टमेंट के लोग आके परेशान करते हैं कि भाई ये इंक्वायरी आई है, ये इन्वेस्टिगेशन करना है, ये ऑडिट ठीक से नहीं किया हुआ है वगैरह वगैरह, हिसाब किताब नहीं रखा हुआ है। एज यूजुअल एलिगेशन आते हैं कि तुमने पैसा खाया, तुमने करप्शन किया, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, नए फ्लैट ट्रांसफर के टाइम पे इतने पैसे मांग रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए लोग टिपिकली एमसी के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं करते। अब जब नहीं करते हैं तो 100 मेंबर के सोसाइटी में, आपको भी तजुर्बा है कि 100 मेंबर के सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो 5, 6, 8, 10 लोग आएंगे, लेकिन बायलॉस तो बोलता है कि स्ट्रेंथ तो 11 का होना चाहिए और कोरम 6 का होना चाहिए। अब अगर उस सोसाइटी में सिर्फ 6 ही लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है तो मैनेजिंग कमिटी का टोटल स्ट्रेंथ उस सोसाइटी में 6 मेंबर का रहेगा। अब कोरम का क्या करें? तो एक बड़ा विचित्र प्रश्न हो जाता है कि 100 मेंबर की सोसाइटी में सिर्फ 6 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा और अब 6 मेंबर के 6 मेंबर कोरम कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसका समाधान निकाला हुआ है एमसीएस एक्ट सेक्शन 154(b)(19) में। वो ये कहता है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर आपको यह सर्टिफिकेट देता है कि आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ अनोपोज हो या इलेक्टेड हो,
आपका टोटल 5 मेंबर का कमिटी है, भले वो 100 मेंबर की सोसाइटी हो या 500 मेंबर की सोसाइटी हो, इट इज टोटली इमेटीरियल। रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपको ये सर्टिफिकेट दे देता है कि आपके मैनेजिंग कमिटी इस डेट पे इतने मेंबर से कॉन्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो एक उदाहरण के तौर पे ये समझो कि अगर 250 मेंबर की सोसाइटी में सिर्फ 5 मैनेजिंग कमिटी मेंबर आते हैं सामने नॉमिनेशन फॉर्म देके, तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और कोई चारा नहीं है, और कोई पर्याय नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, बट उस 5 मैनेजिंग कमिटी मेंबर को इलेक्टेड घोषित किया जाए अनओपोज्ड ऑफ कोर्स, और डीआर का अप्रूवल लेने के बाद में वो 5 मेंबर आपकी सोसाइटी को चलाएंगे, दे विल बी द गवर्निंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। अब ये कौन सा सेक्शन बोलता है, जैसे मैंने बताया 154B-19। अब इस सेक्शन के अनुसार सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपका 5 मेंबर की कमिटी है तो उसका दो तिहाई अंग्रेजी में हो गया 2/3, अब 2/3 का 5 मेंबर की सोसाइटी का 2/3 होता है 4 मेंबर, राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट के लिए। तो आप टेक्निकल चीज ये देखिए कि 100 मेंबर की सोसाइटी खाली 5 ही जना है, 5 में से कोरम क्या होना चाहिए, 154B-19 के हिसाब से सिर्फ 4 मेंबर का कोरम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स बायलॉ में जो क्राइटेरिया दिया गया था, बायलॉज में दिया गया है कि 11 मेंबर मिनिमम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, लोग ही आते नहीं मैनेजिंग कमिटी में, अब 5 आ गए। बायलॉ में तो दिया है कि मिनिमम 6 मेंबर का कोरम होना चाहिए, लेकिन जब 5 ही इलेक्टेड हैं तो 6 मेंबर का कोरम कहाँ से बनेगा। इसलिए इस चीज को साइड में रखते हुए या सरकमवेंट करते हुए या डिफिकल्टी ना आए, तो ये सेक्शन में बोला गया है कि 2/3 मेंबर इलेक्टेड या अनुपोज जो भी आएंगे उसमें से वो कोरम कहलाएंगे। तो 5 का मैनेजिंग कमेटी बना, उसमें से 4 मेंबर का कोरम बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बायलॉज में हर चीज जो लिखी हुई है वो कानून के हिसाब, एक्ट और रूल्स के हिसाब से नहीं लिखी हुई है। इसी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है और हम आगे बढ़ेंगे इस पे। लास्ट टाइम मैंने आपको बायलॉ संबंधित जो भी सेक्शंस थे, जैसे सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 16 और उसे संबंधित रूल 8, रूल 9, रूल 12, तो सेक्शन 2(5) में बायलॉज का मतलब दिया हुआ है, बायलॉज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एक्ट मीन्स एमसीएस एक्ट, एंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसी में ये लिखा हुआ एंड इंक्लूड्स रजिस्टर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ सच बायलॉज, इट डज नॉट से एडॉप्शन ऑफ बायलॉज। मैंने पिछले टाइम आपको खुलासा किया हुआ था कि बायलॉज को एडॉप्ट करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है एमसीएस एक्ट के अंदर। यू कैन कीप ऑन मेकिंग अमेंडमेंट। रूल 9 के अंदर सबसे पहला जो बायलॉज था आपका वही फाइनल है, उसके बाद में उसी बायलॉ को आप कीप ऑन अमेंडिंग करते जा सकते हो। एक उदाहरण के लिए समझने के लिए आई विल जस्ट डिस्क्राइब यू, 1985 में एक सोसाइटी बनी, उसका एक बायलॉस रजिस्टर किया 1985 में, रजिस्ट्रेशन के टाइम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के टाइम। उस समय बायलॉ का जो इंटरेस्ट फैक्टर, लेट अस से एक टॉपिक लेते इंटरेस्ट फैक्टर, उस समय बायलॉस का दिया, जनरल बॉडी के अप्रूवल हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ। ये रेजोल्यूशन ऑफकोर्स रिकवरी प्रोसीडिंग के टाइम पे लगता है कि भाई आप डीआर पूछेगा, डीआर मीन्स डिप्यूटी रजिस्ट्रार, कि आपके सोसाइटी ने कितना परसेंट इलेक्शन इंटरेस्ट सैंक्शन किया हुआ है, आपका रेजोल्यूशन दिखाओ, वो संबंधित बायलॉज दिखाओ। तो आप 1985 का बायलॉज निकालोगे और बोलोगे ये रहा बायलॉ नंबर 72, उस समय का 71 था, अभी 72, और ये रहा हमारा रेजोल्यूशन 12% का, ठीक है। वो बायलॉ आज भी लागू है क्योंकि रूल 8 नंबर वैसा कहता है। 2001 में आपने वो बायलॉ, जैसे कि टिपिकली हमारे काफी लोग ये समझते हैं कि बायलॉ अडॉप्ट कर सकते हैं, काफी संस्थाएं, एसोसिएशंस है, फेडरेशंस है वगैरह वगैरह भी ये बोलते हैं कि नहीं नहीं बायलॉ अडॉप्ट करो,
एडॉप्ट करने का प्रोविजन है नहीं एक्ट में और रूल्स में, फिर भी एडॉप्ट करो, तो ये गैर समझ लोगों के मन में जानबूझ के डाला जा रहा है ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर कंफ्यूजन में बना रहे। सो 1985 का आपका ओरिजिनल बायलॉ, उसमें 12% इंटरेस्ट लिखा हुआ है। 2001 में आपने वो ₹50 वाला बायलॉज लेकर आए, रजिस्ट्रार के पास में लेकर गए, एडॉप्शन का प्रोसेस पूरा करने के बाद में उसको एडॉप्ट करके लेकर आ गए। 2001 के बायलॉज में तो 21% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो आपका वो 12% इंटरेस्ट जो जनरल बॉडी का सैंक्शन था सेक्शन 72 के अंतर्गत, जिसमें ये बोला जाता है कि जनरल बॉडी का डिसीजन रेजोल्यूशन फाइनल और सुप्रीम है, तो क्या वो नया बायलॉज को अडॉप्ट करने के टाइम पे वो कट जाता है? अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि उदाहरण के तौर पे 2005 में आपने जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन बताया, किसी ने बोला कि नहीं भाई ये 21% इंटरेस्ट हमको नहीं चलेगा, तो सबने किया वो चीज, लेकर आया रेजोल्यूशन और बोला कि नहीं 12% इंटरेस्ट लगेगा, और रेजोल्यूशन पास कर दिया। जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन जो पास होता है वो सेक्शन 72 के अंतर्गत पास होता है और वही फाइनल होता है, हमेशा सबको लागू पड़ता है। 2009 में फिर दूसरा एक बायलॉ आया, मॉडल बायलॉज एक और रिलीज हुआ। मॉडल बायलॉज, द वर्ड मॉडल इज ओनली मीनिंग ए सैंपल, इट डज नॉट मीन कि वो मॉडल बायलॉज लेकर आओ और उसी को गीता सार या रामायण समझ के उसी और बाइबल समझ के वही फाइनल समझो, वो लाना है आपको, उसमें आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं और फिर उसको लागू करना है। तो 2009 में जब दूसरा बायलॉ मॉडल बायलॉज आप एडॉप्ट करते हो तो 1985 का जो 12% इंटरेस्ट था वो भी खड्डे में गया। उसके बाद में आपने 2001 में बायलॉज मॉडल बायलॉज एडॉप्ट किया, उसमें 21% हो गया। उसके बाद में 2005 में आपने जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करके वो ब्याज आपने इंटरेस्ट आपने 12% किया, और 2009 में दूसरा मॉडल बायलॉज अडॉप्ट करके वो सब का सब इंटरेस्ट वापस वाइप आउट कर दिया। कहने का मतलब ये होता है कि आपका पहले का जो अमेंडमेंट्स है वो नया मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करके पहले के जनरल बॉडी को डिसीजन को नकारा या नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है, कानूनी इन्फोर्सेबल है वो। और प्लस दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 में बायलॉज को अमेंडमेंट करने का प्रोविजन है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 5 में बायलॉज में लिखा है, बायलॉज का डेफिनेशन दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि बायलॉज मीन्स बायलॉज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स रजिस्टर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ सच बायलॉज, इट डज नॉट से एडॉप्शन ऑफ बायलॉज। अमेंडमेंट का मतलब ये हुआ कि सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ, जैसे बायलॉ नंबर 10 आपको अमेंड करना है, नहीं ये पसंद नहीं हमारे लोगों को तो हम ये चेंज करते हैं, बायलॉ नंबर 90th को हम चेंज करते हैं, तो अमेंडमेंट का पेज लगाना है उस बायलॉज में, रजिस्ट्रार के पास भी जाना है, वो ठप्पा लेके देना लेकर आओ और फिर वो अमेंडमेंट लागू पड़ता है। तो दिस आर द वेज द बायलॉज हैव टू बी अमेंडेड एंड बायलॉज कैन नेवर एवर बी एडॉप्टेड, दैट इज द की क्राइटेरिया ऑफ द बायलॉज। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर जनरल डिस्कशन बिटवीन अवर फ्रेंड्स। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज पुट अप योर पॉइंट्स कि व्हाट शुड बी द चेंजेस दैट यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ बायलॉज के ऊपर ही बात करेंगे और कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो प्लीज लेट मी नो एनीबडी हु इज वांटिंग टू डिस्कस दिस थिंग, प्लीज गिव योर व्यूज पॉइंट्स your ideas। मिस्टर उदय कुमार तांडल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि yes, ये 21% सिंपल इंटरेस्ट जो बायलॉज में कहा है उसके मुताबिक सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाता है, लेकिन
जब ये डिफॉल्टर्स का लिस्ट निकाला जाएगा तो ऐसा देखा जाता है कि जब डिफॉल्टर पार्ट पेमेंट करता है तो मेरे अनुभव से बहुत से सोसाइटी में मैंने ऐसा देखा है कि वो पहला इंटरेस्ट एज ऑन टुडे जो इंटरेस्ट है वो काट लेते हैं और प्रिंसिपल वैसे रखते हैं। और ये सोचा जाए तो उसको रिपीटेड पार्ट ऑफ पेमेंट जब वो बार बार करता है तब ऐसा अनुभव आता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी चला जाता है। अकॉर्डिंग टू बैंक कैलकुलेशन ये सही है कि पहला इंटरेस्ट काटो, लेकिन सोसाइटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पे ये ऐसा अलग लगता है कि पहला ये मेरा ऐसा कहना है कि बायलॉज में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि जब भी डिफॉल्टर पार्ट पेमेंट करता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल देन इंटरेस्ट, ये वर्ड होना जरूरी है। ये कहीं बायलॉज में लिखा नहीं है, इसलिए सोसाइटीज मिसगाइड होती है, पहले इंटरेस्ट काट लेती है और वो जो इंटरेस्ट काटा है वो उनका प्रिंसिपल में कम होता था लेकिन उसी पे ऊपर नेक्स्ट टाइम पार्ट पेमेंट जब करता है उससे इंटरेस्ट वापस वो पार्ट पेमेंट पे लग जाता है। इन अनफॉर्चुनेटली अननोइंगली इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर, आपका क्या राय सर इसके ऊपर? ठीक है, तो अभी आप जो कह रहे हो कि बायलॉज में ऐसा क्लॉज होना चाहिए जिसमें आपको ये बोलना है कि आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट जो मिलेगा इट विल बी एडजस्टेड ओनली एंड ओनली अगेंस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट। एम आई करेक्ट सर? नहीं सर, फर्स्ट प्रिंसिपल देन इंटरेस्ट, वो पार्ट पेमेंट हो या फाइनल पेमेंट हो, पहला प्रिंसिपल कलेक्शन उसमें होना चाहिए, बाद में इसके ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपको एक चीज बता दूं अपने दोस्तों को ये समझने के लिए। सोसाइटी को आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, आपने गार्डनर रखा हुआ है, आपने बिजली बिजली भी दे रहे हो करके। विनु ओके, तो सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का प्रिंसिपल कंपोनेंट है, जो आप जैसे आपने बताया कि एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है। प्रिंसिपल कंपोनेंट तो हकीकत में लोगों को देना है, जैसे अभी प्रिंसिपल कंपोनेंट 100 रुपए आया तो 100 रुपए में से एक टुकड़ा उठा के सिक्योरिटी को दिया, एक टुकड़ा उठा के गार्डनर को दिया, एक टुकड़ा बिजली को दिया, एक टुकड़ा पानी को दिया। ये चीज तो हम माफ नहीं कर सकते, वी कैनॉट से ठीक है इट कैन बी वेव्ड ऑफ। The objective of the society is to run on no profit, no loss basis. There is no component of interest to be recovered from the member. Ab you can say penalty, yes. You can say fine, yes. आपके बिजली के बिल में देखा है आपने कभी? Reliance का देख लो या Tata का देख लो या MSEB का देख लो, are they ever charging interest in on their bills? No sir, it is not there. पानी का देख लो, बीए प्रॉपर्टी टैक्स का देख लो, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स, आर दे चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन देयर बिल्स? नो सर, बट यस दे चार्ज यू पेनल्टी। आप बिल उठा के देख लीजिए, देयर इज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन फॉर पेनल्टी कि भाई इतना तारीख तक नहीं दिया आपने तो इतना पैसा लगेगा, बट दे डू नॉट मेंशन द वर्ड एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अगर एक लॉ की डिक्शनरी है उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट का डेफिनेशन दिया गया, इट इज कॉल्ड ब्लैक्स ब्लैक लॉ डिक्शनरी, तो उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन पेनल्टी का डेफिनेशन अलग दिया हुआ है और इंटरेस्ट का डेफिनेशन अलग दिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक रूपरेखा बांध करने के लिए, और हम जैसे वैसे क्या बायलॉ में अमेंड करेंगे वो हम स्टडी उसको हम विचार करते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो आप जनरल बॉडी के अप्रूवल लेके उसको राइट ऑफ कर सकते हो, पर जनरल बॉडी का अप्रूवल लेने के बावजूद भी आप प्रिंसिपल अमाउंट राइट ऑफ नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग। अगर आप राइट ऑफ कर देते हो प्रिंसिपल अमाउंट भी, इसका मतलब है कि उस प्रिंसिपल अमाउंट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी 99 लोग भरेंगे आपके बिहाफ में, जो कि सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी का मुद्दा नहीं है। सो हेंस कहने का मतलब यह हुआ कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो राइट ऑफ कर सकते हो, पर प्रिंसिपल कंपोनेंट राइट ऑफ नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, व्हाट शुड बी डन इन द बायलॉज, देयर शुड बी ए स्पेसिफिक क्लॉज के एनी आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट
आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिसिप्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 100 रुपया हुआ टोटली, और उसमें समझो 60 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है और 40 रुपया इंटरेस्ट है, और आपने सोसाइटी को 10 रुपये दिया, तो बायलॉज पे ये क्लॉज होना चाहिए कि जो भी रिसिप्ट आया वो प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट में ही एडजस्ट होता रहेगा एंड नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट। तो आई सजेस्ट, आपके भी ओपिनियन दीजिए मुझे, आई सजेस्ट कि जो भी पैसा आया सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के अमाउंट में एडजस्ट होगा। अगर इंटरेस्ट के अमाउंट में एडजस्ट करोगे बैंकिंग प्रिंसिपल को लेकर, उनका प्रिंसिपल अलग है सर, बैंकिंग एक्ट इट इज ए टोटली ऑटोनोमस एक्ट, उनका प्रिंसिपल अलग है। हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा दिया ही नहीं है कहीं पर भी। तो मिस्टर तांडल, व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट इन सेइंग दिस थिंग, और इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस प्लीज गो अहेड। नो सर, यू आर राइट। अपार्टमेंट जो पहला प्रिंसिपल से रिकवर किया जाए, ऐसे करते करते प्रिंसिपल रिकवर होने के बाद बाकी इंटरेस्ट को उसको देना ही है, यस, लेकिन मजबूरी अगर वो के वजह से 1 लाख रुपए। जनरल बॉडी में अगर वो डिसएग्री नहीं हो गया तो, नहीं, जैसे जनरल मैंने बॉडी का यह बताया। सवाल आता है सर, हाँ जी, ये जनरल बॉडी का सवाल आता है नहीं, जब हमारा प्रिंसिपल है बायलॉज का कि सोसाइटी के मेंबर से खाली सिंपल इंटरेस्ट लेना है, और यदि हम इंटरेस्ट पहले कलेक्ट करेंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि जाता है तो इट यस, शुड बी ए फर्स्ट प्रिंसिपल कलेक्शन करो, वो पार्ट में भी तो 10 पार्ट में देने दो उसको, कॉपरेट करके, कॉपरेट का भी सवाल नहीं है उसका, राइट है कि मेरा प्रिंसिपल पहले खत्म होने दो और इंटरेस्ट तो बाद में ले लिया करो, जो कि पहले इंटरेस्ट लोगे तो वो पार्ट पे वापस मुझे इंटरेस्ट भर पड़ेगा, तो तो यू सेइंग बायलॉज कि में ये क्लियर कट होना इंटरेस्ट चाहिए। को माफ करने का प्रोविजन डालना चाहिए बायलॉज में कि जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन से, मेजोरिटी रेजोल्यूशन से इंटरेस्ट को माफ कर देना चाहिए। नहीं, इंटरेस्ट माफ करने का मुद्दा अलग है, वो उसके भी फेवर में मैं बात कर सकता हूँ, मुझे ये भी वो जाने है उसकी अनुभव है कि यदि इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो, और उसका जेन्युइन रीजन है, और प्रिंसिपल फर्स्ट दे के इंटरेस्ट के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, तो जनरल बॉडी कैन कंसिडर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट और पूरा ये माफ करो या 50%, ये पूरा जनरल बॉडी के ऊपर है। तो शुड वी पुट दिस क्लॉज इन द बायलॉज इटसेल्फ? शुड वी यस पुट दिस क्लॉज इन द बायलॉज इटसेल्फ? सर, सॉरी, ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है, जो पर्टिकुलर क्लॉज जैसे है, इंटरेस्ट माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अगर हम बायलॉज में ही डाल देते हैं, इंटरेस्ट माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अगर हम बायलॉज में ही डाल देते हैं। हाँ वो भी इट इज सेकंड पॉइंट, वो पूरा जनरल बॉडी को फ्रीडम होना चाहिए कि यदि जेन्युइन रीजन बायलॉज में जनरल बॉडी एक्सेप्ट करती है तो वो पार्ट, जैसा ये तुम्हारा 31 जो है 21% इंटरेस्ट जो कहा गया है, ये तो जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन में पास होता है कि अब तो 21 नहीं करेगा तो 21 लागू है, या जनरल बॉडी को करना है 12% 15% जनरल बॉडी राइट है, वैसा ही जनरल बायलॉज में ये भी होना चाहिए कि यदि किसी केस को पूरा इंटरेस्ट आपका है पार्ट केस माफ करना है, ये होना चाहिए जरूरी। ओके, सो मैं ये सुझाव देता हूँ तांडेल साहब कि बायलॉज में क्या क्या क्लॉजेस होने चाहिए, कि वन क्लॉज शुड बी श्योर द, प्लीज कीप योर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट मिस्टर मिर्जी, प्लीज, थैंक यू सर। क्लॉज ऐसा होना चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट को माफ करना ही करना है, ये डिसीशन जनरल बॉडी में डालना, बायलॉज में डालना चाहिए। इंटरेस्ट को माफ करना है या नहीं करना, वो बायलॉज में डालना है। जो रिसिप्ट आया फर्स्ट वो प्रिंसिपल अमाउंट में कवर करना है, एंड देन वी शुड थिंक ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट। सर हेमंत मिर्जी यार, आइल दैट इज ट्रू, वन आइल मोमेंट दैट प्लीज, इज ट्रू, वन मोमेंट, वन मोमेंट मिस्टर मिर्जी, होल्ड ऑन मिस्टर मिर्जी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। सो दीज आर द थ्री फोर पॉइंट्स। दीज आर द और थ्री फोर वैसे कैंडल साहब पॉइंट्स, आपको एक चीज और बता दूं मैं कि बायलॉज में 21% चीज लिखा और हुआ बता दूं मैं है, कि तो बायलॉज वो में बाय 21% डिफॉल्ट लागू लिखा नहीं हुआ पड़ता, है, देर हैज टू बी ए वो बाय जनरल बॉडी डिफॉल्ट लागू नहीं पड़ता, रेजोल्यूशन। देर हैज,
for the specific percentage of interest that should be levyable on the member, and that particular amendment has to be registered inside the bylaws, and that registered bylaws only, DR ka registered bylaws, jisme DR ka thappa hota hai aur signature DR ka thappa hota hai, sirf aur sirf wahi bylaws aap lagu kar sakte ho. Agar aapne sirf general body mein wo resolution pass kiya interest ka और बायलॉज में रजिस्टर नहीं किया और डेप्यूटी रजिस्ट्रार से अप्रूव करा के नहीं लेके आए, तो दैट इंटरेस्ट इज लीगली नॉट इन्फोर्सिबल ऑन द मेंबर. तो ये एक अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी को, तो आई हैव जस्ट मेड इट क्लियर ऑन दिस पॉइंट. बायलॉज का डिफॉल्ट इंटरेस्ट सबको लागू नहीं पड़ने वाला है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड इनसाइड द बायलॉज एंड द डीआर हैज टू स्टैंप हिज अप्रूवल ऑन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट. He will stamp his approval only after looking at the general body resolution. कि general body में 21% sanction किया हुआ है या 3% किया हुआ है. So sir, मुझे एक बोलना sir. एक मिनट रुकिए. Mr. Tandal, everything is clear sir? Or any other suggestions from you? सर आपके आपने जो तीन सजेशन कोट किए हैं उसमें मेरा एक सजेशन को अपोज रहेगा कि प्रिंसिपल माफ करने का जनरल बॉडी के ऊपर पर कमिट रखना ये गलत है सर. ये पूरा प्रिंसिपल क्योंकि जब भी प्रिंसिपल कोट किया गया है चाहे मंथली मेंटेनेंस हो या कोई रिपेयर मेंटेनेंस का हो, वो तो जनरल बॉडी के अप्रूवल के मुताबिक हुआ है, तो उस प्रिंसिपल पार्ट प्रिंसिपल भी माफ करना नहीं चाहिए. ये मेरा ओपिनियन है सर, बाकी तो ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय जयश्री. सर हेमंत मिर्जियर, हेमंत मिर्जियर, आई हैड दैट क्वेश्चन. मे आई आस्क? One moment, I'll just take up Jayashree Oswal's question, then we'll come back sure, to you. Sure, sure. Madam Oswal, madam, aapka microphone unmute kariye, please. Jayashree Oswal, madam, please unmute your microphone. ओके, आपका प्रश्न थोड़ी देर के बाद लेते हैं. हेमंत मिर्जी साहब प्लीज गो अहेड. या सो सॉरी वन सेकंड. सो माय क्वेश्चन इज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, व्हेन द बायलॉज आर गेटिंग चेंज विद द पॉइंट दैट द इंटरेस्ट कैन बी वेव्ड ऑफ, देन पीपल हु पे द अमाउंट इन लमसम फॉर द एंटायर ईयर आल्सो हैव अ रिक्वेस्ट टेबलिंग दैट लेट इंटरेस्ट आल्सो बी इंटरेस्ट अर्नड आउट ऑफ देयर lump sum payment also be credited to them while you are waiving off the interest for late payment. There are others who pay the lump sum for the entire 12 months. So they are asking, why don't you credit the same interest to them when you are waiving off that interest for late payments? Can this be included in the bylaw? Okay, let me answer that. बायलॉस का मतलब क्या है कि आप सब ने मिलके, मतलब सारे मेंबरों ने मिलके जो तय किया, सारे मेंबरों ने जो मिलके तय किया कि भाई चलो इसके घर में आग लगा देने का है, उसके घर में 100 रुपए का चोरी करना है, उसको पानी नहीं देना है, अगर ये सारे के सारे मेंबर ये तय करते हैं, यहां पे उसके पहले एक राइडर डाल दूं मैं के बायलॉज में सिर्फ और सिर्फ कानूनी रेजोल्यूशंस या बायलॉ क्लॉजेस आप लगा सकते हैं. मैंने अभी आपको जो बोला कि आग लगा देना, ये गैर कानूनी, इंडियन पेनल कोड में गैर कानूनी हो गया, आपको पानी नहीं देना तो बीएमसी के कानून के विपरीत चला गया, वगैरह वगैरह. तो जो भी कानूनी है, आपके जानकारी के लिए अगर आपको याद दिला दूं तो कानून क्या है बायलॉज के लिए, जैसे बायलॉज में ऐसा कोई भी क्लॉजेस आप नहीं डाल पाएंगे जो बीएमसी कानून के विपरीत हो, जो एमआरटीबी कानून के विपरीत हो, जो फायर एक्ट के कानून के विपरीत हो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कानून के विपरीत हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कानून के विपरीत हो, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये सारे कानून को ध्यान रखते हुए आप अपना बायलॉज को बनाओगे. अगर आपने ये बायलॉज में ये लिखा है कि भाई मैं आपको 5 साल का मेंटेनेंस चार्जेस एडवांस में दे रहा हूं,
तो मुझे उसका इंटरेस्ट भी देना है। अगर ये बायलॉज आप डालते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली सोसाइटी तो ऐसा कुछ कामकाज है जिसमें उसको इंटरेस्ट इनकम हो रहा है कहीं से, जैसे उसने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ इनकम आपका, वो पैसा आया तो आपको देंगे। तो हाउसिंग सोसाइटी में इस समय तक ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि आपका पैसे का इनकम आपको दे करके, लेकिन एक्ट में डिविडेंड का प्रोविजन पक्का लिखा हुआ है कि आप डिविडेंड पूछ सकते हो, पर इंटरेस्ट पूछ सकते हो ऐसा एक्ट में नहीं है। तो अगर एक्ट में नहीं है तो एक्ट के विपरीत आप बायलॉज में ये क्लॉज नहीं डाल पाओगे। आपका सुझाव अच्छा है लेकिन कानून के विपरीत जा रहा है, तो कानून का जो भी विपरीत सुझाव है वो बायलॉज के अंदर आप नहीं डाल पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है आपका जो सातवें फ्लोर का फ्लैट है उसको खिड़की निकाल दो और बालकनी में मर्ज कर दो, तो वो MRTP के कानून के विरुद्ध गया, BMC कानून के विपरीत गया। तो ये विपरीत जाने वाला जो क्लॉजेस है वो आप बायलॉज में नहीं डाल पाओगे। नोटेड। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन सर? मुझे एक पूछना है। होल्ड ऑन मिस्टर मेगर, जस्ट होल्ड, आई विल कम बैक सर। सर अभी आपने बताए थे, एक मिनट सर प्लीज। मिस्टर मिर्जी आपको और कुछ पूछना है, आपको सुझाव का और कुछ सुझाव करना है? हाँ, तो भाई इफ यू रिमेम्बर आवर डिस्कशन, तो मेरा सुझाव ये है, आप मुझे 3-4 मिनट दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट द डिस्कशन। वन सेकंड, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सब लोगों को देखने दीजिए। मैं बाहर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नो इश्यू। दोस्त कैसे दिखते हैं वो भी पता चलने दीजिए सबको सर। आई एम ग्रेट, एक्सेलेंट। सो ये सुझाव था मेरा कि हम जब भी बायलॉज डिस्कस कर रहे हैं, पूरा बायलॉज डिस्कस करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डिस्कशन होगा, तो ये मेरा प्रस्ताव है। तो ये स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डिस्कशन कैसा होगा कि हम बायलॉज का पुस्तक ले लें और स्टार्टिंग से लेके पहले 10 पॉइंट्स ले लेते हैं या पहले 5 पॉइंट्स ले लेते हैं, उसके ऊपर ही डिस्कशन होता है। क्या होता है कि पहले 5 पॉइंट्स का जो मुद्दा होता है वो कहीं और भी बायलॉज के अंदर कहीं और भी डिस्कस हो जाता है। ओके, सो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ वी कैन हैव अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप द फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स ऑफ द बायलॉज डिस्कस, सो एटलीस्ट वी नो व्हाट द बायलॉज इज ऑल अबाउट, व्हाट दीज पॉइंट्स आर ऑल अबाउट, एंड देयर माइट बी सम पॉइंट्स व्हिच मे गेट रिफ्लेक्टेड इन सम अदर पेजेस ऑफ द बायलॉज। सो अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डिस्कशन ऑफ द बायलॉज विल हेल्प। आई हैव नो इश्यूज टू टेक अप दिस रोल इन टर्म्स ऑफ moderating this exercise for the first few sessions, so and then we can start. This is my opinion on an idea that you know that may be of helpful to each of us. Mr. Mirji, aisa hai ki webinars for the bylaws are for the purpose of taking in your opinions, your suggestions, your ideas वगैरह वगैरह. पर जैसे मैंने बताया शुरू में कि we are constituting only a bylaw committee, जिसमें सिर्फ selected लोग आएंगे जो जिनको खास इस चीजों के बारे में जानकारी है। Correct. I invite them. Of course, all of you are invited to join the bylaw selected committee, provided you have proper time and your ideas for the same. तो उस particular committee meeting में, जैसे अभी आज webinar कर रहे हैं हम general discussions के लिए about the bylaws. Correct. उस समय वो जो committee होगी 10 लोगों की, 12 लोगों की, उसमें जैसे मैंने बताया कि फातिमा फौजदार मैडम जो है लॉयर, वो नेतृत्व करेंगे उस चीज का। नो इश्यू। उस चीज के लिए हम सारा डेटा अभी जमा कर रहे हैं। ओके, तो वी विल बी डूइंग इट। वी अप्रिशिएट कि आपने ये पॉइंट बोला एंड वी आर गोइंग टू ऑफ कोर्स डू दैट ओनली। डन। थैंक यू मिस्टर। हेलो सर। थैंक यू मिस्टर। ओके जयशंकर ओसवाल मैडम। सर हां सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सोसाइटी में 10 मेंबर है, तो उसमें से 6 मेंबर ही मीटिंग को आते हैं और बाकी 4 आते नहीं है, और उसमें से जो 4 है उसमें से 2 जन मेंटेनेंस कम से देते नहीं है बिल्कुल भी। एक जन का तो कम से कम 2 साल से बाकी है और दूसरे का 5-6 महीने से आधा दिया हुआ है और आधा 5-6 महीने से बाकी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? अभी कानून में तो यह दिया हुआ है कि अगर आपने 10 मेंबर बोला तो 10 टोटल मेंबर है कि 10 मैनेजिंग कमिटी मेंबर है? नहीं नहीं, 10 टोटल बोले तो मैंने कमिटी बोले तो 10 फ्लैट है इधर, तो उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी की हुई है।
तो टोटल 10 फ्लैट है आपके सोसाइटी में, हाँ। और कितने मैनेजिंग कमिटी मेंबर है उसमें? कमिटी मेंबर यानी मेरे ध्यान में नहीं है, बोले तो कमिटी मेंबर बोलते 6 मेंबर ही आते हैं उसमें से। मतलब कमिटी मेंबर आपकी, आपकी सोसाइटी है 10 मेंबर की, हाँ। उसमें 2 या 4 या 6 या 8 कमिटी मेंबर होंगे, जैसे चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, और ट्रेजरर है, बस बस 2 ही है। 2 ही है, हाँ। तो ऐसे सोसाइटी नहीं चलती है। आप रजिस्ट्रार से आपको अर्जी दे दो कि आपकी सोसाइटी को डी रजिस्टर कर दे, क्योंकि ऐसी हाँ। हालत में सोसाइटी कभी भी नहीं चल सकती है, ये गैर कानूनी है। अच्छा, और क्योंकि दूसरा मुद्दा यह है, आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर मैनेजिंग कमिटी का खुद का ही कोई मेंबर का बकाया है, कोई पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज वगैरह है, तो वो हाँ। मैनेजिंग कमिटी में नहीं रह सकता। वो अभी एमसीएस एक्ट में ही लिखा हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, उसी में लिखा हुआ है कि हाँ। डिफॉल्टर कैन नॉट बी मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, लेकिन वो डिफॉल्टर कैन मेंबर है नॉट। सर, वो मेंबर है तो वो मेंटेनेंस देते नहीं है, तो फिर उसके लिए रजिस्टर में अर्जी करनी चाहिए, लेकिन उसके आगे फिर वो अपने को सपोर्ट करते या नहीं है? ये बायलॉ का मुद्दा बताइए ना मैम, मामा आज का आप जो बता रहे हो तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज के बारे में बता रहे हो। सर मेरा वही वही मुद्दा था, खास करके वही मुद्दा था आज वो क्योंकि हम मेंबर। सिर्फ बायलॉज के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा, तो आज इसका ये नहीं होगा? नहीं, हम और कोई टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बायलॉज में क्या क्या होना चाहिए उसका आप सुझाव दीजिए। अच्छा अच्छा आपके अच्छा मन में जो भी सुझाव है, बायलॉज में क्या क्या चेंजेस करना है, सुधारना करना है, उसका नहीं आप बताइए हमें। सर, क्योंकि मुझे अभी तक इतना आइडिया नहीं, क्योंकि अभी मैं चेयरमैन हुई हूँ तो अभी तक मुझे इतना आइडिया नहीं है तो। कोई बात नहीं मैम, आप हमारे पुराने वीडियोस में देख लीजिए, उसमें आपका ये वाला प्रश्न का भी उत्तर मौजूद है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। अच्छा, और सर एक सवाल और था मेरा कि सर वो कमिटी मेंबरों से सिर्फ 6 मेंबर ही हाजिर रहते हैं, तो फिर कुछ भी डिस्कस अपनों को करना रहा तो फिर अपना 4 जन उसमें से अपने साथ रहे तो फिर फाइनल हो सकता है वो डिस्कस किया हुआ अगर निर्णय पूरे लेना रहा तो अगर फिर। कोरम है मैनेजिंग कमिटी का बायलॉज के हिसाब से या हाँ एक्ट के हिसाब से, तो वो हाँ जो भी डिसीशन लोगे वो हाँ पूरे सोसाइटी पे लागू पड़ता है, हाँ ठीक है ना? जैसे अगर चेयरमैन बोलता है कि भाई ये स्वीपर को रखना है, हाँ ये गार्डनर को रखना है, या ये प्लम्बर को रखना है, तो उसका जो वो डिसीशन है मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग में लिया है तो वो फाइनल है और वो बाकी सभी पे भी लागू पड़ता है। उसपे जनरल बॉडी का कोई रोल नहीं होता है बोलने का कि नहीं इसको रखो, नहीं उसको रखो। तो 600 मेंबर के सोसाइटी में आपके पास 600 गार्डनर आ जाएंगे, ठीक अच्छा, है? थैंक यू मैडम। और सर एक क्वेश्चन और था कि मीटिंग में आते नहीं तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, समझो उसको सब आप जन। उसको मीटिंग से निकाल सकते हो, आप अच्छा उसको ठीक, मैनेजिंग कमिटी से निकाल सकते हो, उसका भी कानून है, एक्ट के अंदर में ही है। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सर गैस भी सर बिफोर दैट हु वाज देयर, हेलो सर, वन मोमेंट प्लीज होल्ड ऑन, हाँ मिस्टर वीरन्ना यस मेघन, सर, यस सर। यस गो अहेड सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हाँ अगर जी, वो डिफॉल्टर, अगर 100 रुपीज डिफॉल्टिंग है और 50 रुपीज उसका इंटरेस्ट है, अगर वो 100 रुपीज दे दिया खाली, हमने इंस्टॉलमेंट में जमा कर दिया, फिर वो 50 रुपये ऐसे ले जाएगा, ये प्रैक्टिस बन जाएगा ऐसे? यस प्रैक्टिस बन जाएगा तो, लेकिन प्रैक्टिस बनने किसने दिया? वो मैनेजिंग कमेटी की गलती से प्रैक्टिस बना। आपने नहीं कानून, वही आप एक मिनट सर रुकिए, कानून में क्या जी, लिखा हुआ है सर जी कि 3 महीने का डिफॉल्ट हो गया तो वो उसको मैनेजिंग कमेटी को उसके ऊपर कार्यवाही करनी है। मैनेजिंग ओके कमेटी क्यों नहीं कार्यवाही करता आपको पता है? आप क्या क्या सुझाव है मैं बोलूं कि आप बताइए? आप बोलिए ये सर, सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए सर। मैनेजिंग कमेटी आपका वो कार्यवाही क्यों नहीं करता है, मेरा प्रश्न ही आपसे। नहीं वो कार्रवाई किया तो भी पेमेंट नहीं करेंगे, आते आपने नहीं कार्यवाही, और आपने पेमेंट भी नहीं कार्यवाही क्यों नहीं किया? पेमेंट नहीं करेंगे। करेंगे वो उसकी मर्जी है, आपने कार्यवाही क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका सोसाइटी का एक ही नहीं, लालची लेटर मुद्दा लिख होता है, मैं कई सर, सोसाइटी सोसाइटी में क्या देख करें, चुका सर हूं। सोसाइटी क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, उनको एक दो बार मिलेंगे, फिर भी अगर डिफॉल्टर है, अगर जोर जबरदस्ती किया तो खाली प्रिंसिपल दे देते, इंटरेस्ट नहीं देते, अगर पूरा हमने प्रिंसिपल को जमा कर दिया तो इंटरेस्ट ऐसे ही रह जाएगा। तो आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में रिकवरी प्रोसीडिंग क्यों नहीं डालती है मैनेजिंग कमेटी, क्या कारण है? अच्छा,
वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। क्यों नहीं डालती, मैं वही पूछता हूँ। हर सोसाइटी में ये तकलीफ है, वो लोग सोचते हैं कि अरे हमको बड़ा सा 21% इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ा रहे हैं तो दो दो चार चार छह साल तक, आठ आठ साल तक, तो यही तकलीफ होती है। कानून बायलॉज में भी लिखा नहीं है, इसीलिए हम ये बायलॉज में डालने वाले हैं। एनीवे थैंक यू, ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस्टर मंगेश बोरकर प्लीज अनम्यूट यू। यस सर। सर ये तानले जी का जो सवाल था इंटरेस्ट का, yes, तो मैं सोचता हूँ कि वन हु इज पेइंग पार्ट अमाउंट, सो दैट शुड बी एडजस्टेड फर्स्ट विद द प्रिंसिपल ओनली, सो दैट हिज पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट विल बी अचीव। दिस इज माय व्यू, बस इतना ही मुझे कहना था उसके बारे में। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, बायलॉज 68 एंड 159 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो है, उसमें एक एक्स करके एक है, स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ रूफ्स ऑफ ऑल फ्लैट्स। मगर अगर फ्लैट्स में हम काम करते हैं और फ्लैट्स के अंदर जो बीम्स एंड कॉलम्स है उसका हम मरम्मत करते हैं, तो वो सोसाइटी को देना चाहिए या नहीं, या बायलॉज के में ऐसे कुछ तरतूद होनी चाहिए या नहीं? ओके, इसमें टेक्निकल क्वेरी है। हाँ। मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि टिपिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। वन एक प्राइवेट सोसाइटी होती है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में आप देखेंगे तो उसमें दो चीज आपको दिखाई देगी, रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच में दो वर्ड दिखाई देंगे, एक टीसी वर्ड दिखाई देगा, टेनेंट ओनरशिप, और एक टीपी दिखाई देगा, टेनेंट पार्टनरशिप। ओके, टेनेंट ओनरशिप के मतलब है वो प्राइवेट सोसाइटी, मतलब आपने पहले बिल्डर से फ्लैट खरीदा, फुर्सत में आपकी सोसाइटी रजिस्टर हुई, या तो बिल्डर ने रजिस्टर किया या तो नॉन कोऑपरेशन ऑफ द बिल्डर से आपने सोसाइटी रजिस्टर किया, ये टीसी सोसाइटी हो गई, टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी। अब टीपी सोसाइटी पे आते हैं, तो टीपी सोसाइटी कौन सी हो गई? माडा वाली टीपी सोसाइटी हो गई, सिडको वाली टीपी सोसाइटी हो गई, एसआरए वाली टीपी सोसाइटी हो गई, जहां पे पहले सोसाइटी बनती है। इसमें फर्क इतना ही है कि टीसी में सोसाइटी बाद में बनती है, आपके फ्लैट करना धरने के बाद में सोसाइटी बनती है फुर्सत में, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी पहले बनती है और फिर सोसाइटी पहले रजिस्टर होती है, उसके बाद में आपको फ्लैट अलॉट किया जाता है, फ्लैट सेल करने का प्रोविजन नहीं है, ठीक है? और इसीलिए जब फ्लैट सेल नहीं करते हो तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरने का भी प्रोविजन नहीं है, सेक्शन 44 42 या 44 में लिखा हुआ है ये चीज। अब ये बात आपके प्रश्न पे आती है कि अगर सोसाइटी प्राइवेट है या टीपी सोसाइटी है, टीसी सोसाइटी है, तो सोसाइटी का जो बिल्डिंग है इट इज ओन्ड बाय हुम, वो किसका किसकी प्रॉपर्टी है? सोसाइटी इज अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इट इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट ए ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। बट इन टीपी सोसाइटी हु इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग? इट इज योर सेल्फ, बिकॉज बिल्डिंग पहले बनी तो आप ओनर थे ही नहीं फ्लैट के उस समय, तो जो बिल्डिंग है वो एक्चुअली ओन्ड बाय ए सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी में सोसाइटी बिल्डिंग में कुछ भी होना है तो वो सारे खर्चे किधर भी कुछ भी होना है, पिलर्स में ले लो, बीम्स में ले लो, कॉलम्स में ले लो, क्या बोलते हैं रूफ में ले लो, स्लैब्स वगैरह पे, तो ये सारा सोसाइटी को करना है। ये बायलॉज जो आपने बताया 169 या 160 जो भी है उसका मतलब वो निकलता है। अभी आपने जो बायलॉज दिया, अगर आपके पास बायलॉज की कॉपी है तो पहला पन्ना में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कैन यू रीड इट आउट प्लीज, अगर आपके पास कॉपी है तो। सबसे टॉप में टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी लिखी हुई है, नहीं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, टेनेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी, एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी। ओके, तो ये जो बायलॉज है इसमें भी लेकुना है कि टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी के लिए बायलॉ अलग टाइप का होगा, ओके, और टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी के लिए बायलॉज अलग होगा, करेक्ट।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ओनली कि द बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी इज ओन्ड बाय द सोसाइटी इन केस ऑफ पीपी सोसाइटीज, आपने अभी जो बायलॉ उठा के बताया, एंड इन द अदर केस द बिल्डिंग इज ओन प्रोपोर्शनेटली बाय द फ्लैट ओनर्स. टीपी सोसाइटी में इट इज यू आर एलॉटीज ऑफ द फ्लैट, एंड इन टीसी सोसाइटीज यू आर द ओनर्स ऑफ द फ्लैट. दोनों में खर्चा सरखा सरखा ही बराबर बराबर सामान्यता से ही करना है. लेकिन अगर टेनेंट ओनर टेनेंट ओनरशिप में दो फ्लैट तीसरे और चौथे माले के बीच में अगर रूफ खराब होता है तो वो लीकेज से अगर खराब होता है तो वो दोनों मिलके खर्चा करना है. तो ये सारे बायलॉज में जो डिफेक्ट्स हैं जो किसी ने सोच समझ के नहीं बनाया हुआ, इसीलिए हम इस चर्चा पे आए कि इसको हम डिफेक्ट को कैसे रेक्टिफाई करें. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग अप आइडियाज ऑन दिस थिंग. और यही सारी चीजें हम नए बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करेंगे. नहीं, मेरा मुद्दा ये है, अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट हम करते हैं तो वो जो जो वेंडर होता है जो करता है वो हर फ्लैट्स में बाय सम परसेंटेज ऑफ फ्लैट्स चुन के वो उसके बीम्स और कॉलम्स देख के वो सही है या नहीं है गलत बताता है. अगर वो खर्चा सोसाइटी उठाती है तो नॉर्मल जो फ्लैट ओनर जो मरम्मत करती है घर का उसका खर्चा भी सोसाइटी क्यों नहीं कर सकती है, ये मेरा कहना. टीपी सोसाइटीज में सोसाइटी करेगी और टीसी सोसाइटीज में मेंबर खुद खर्चा करेगा बिकॉज़ ही इज द ओनर ऑफ द फ्लैट. ओके, इवन फॉर सोसाइटीज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द फ्लैट, यू आर ओनली एन अलॉटी. इवन फॉर द स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, आई एम आस्किंग अबाउट स्ट्रक्चरल रिपेयर्स ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स, नॉट ऑफ. इट हैज टू बी शेयर्ड प्रोपोर्शनेटली. सोसाइटी करेगी मतलब सोसाइटी के पास जो पैसा है वो तो आप ही का पैसा लेके जमा करके रिपेयर करना है उसको. नहीं करे, बट व्हेन इट इज अ स्ट्रक्चरल रिपेयर तो फिर क्यों वो सोसाइटी नहीं करना चाहिए ऐसा मेरे को मुझे लग रहा है ऐसा. बिकॉज इट ऐसे बायलॉज इज सेइंग ओनली अबाउट रूक्स. जो घर के कॉलम्स एंड बीम्स का जो है रिपेयर्स वो भी तो सोसाइटी को करना चाहिए. अगर मैं इंडिविजुअल मैं करूंगा तो मैं ठीक तरह मेरी मरम्मत नहीं करूंगा तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो परमानेंट रह जाएगा. यस सर, ये मैटर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है तब एक्सटर्नल एंड इंटरनल डैमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसमें मेंशन किए जाते हैं. और किसी फ्लैट में यदि स्ट्रक्चरल डैमेजेस है वो फ्लैट के डैमेजेस नहीं रहते, वो सोसाइटी के डैमेजेस रहते हैं. ये सब ध्यान में रहते हुए जनरल बॉडी को यदि कमेटी ठीक से कन्विंस करके इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल डैमेजेस रिपेयर फंड रेज करती है तो ये सोसाइटी ने जिम्मेदारी के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल रिपेयर करना चाहिए. ये बायलॉज में प्रोविजन होना चाहिए. सो यू हैव टू पुट इन स्पेसिफिक क्लॉजेस इन द बायलॉज, आप ऐसा बता रहे हैं. नहीं, उसमें मेरा ये कहना है कि मैं अगर मरम्मत कर रहा हूं तो मेरी ढंग से मैंने नहीं किया और उससे स्ट्रक्चर को डिफेक्ट्स हो गया तो किसकी जिम्मेदारी है. तो इसलिए ये कॉमन कोई उसके लिए ये होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि सोसाइटी ने ये सब देख के ये सब फ्लैट्स की करनी चाहिए तो ही वो स्ट्रक्चर को ये दुखावत नहीं होगी. ये मेरा कहना. ओके मिस्टर टांडल, एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? टांडल, एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? यस सर, साहब जो बोल रहे हैं, मंगेश साहब जो बोल रहे हैं, ये सही है और ऐसा बहुत जगह होता ही है. ये इंटरनल फ्लैट के इंटरनल में कॉन्ट्रैक्टर को एंट्री देके कमेटी कन्विंस करके मेंबर को कन्विंस करके कॉलम बीम ये रिपेयर किए जाते हैं. लेकिन इसके लिए ठीक से कम्युनिकेशन होना चाहिए और ये स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही होना चाहिए. यदि बीच में जो सब कुछ ठीक चल रहा है, नो स्ट्रक्चरल ऑडिट टाइम नहीं है और किसी का कुछ गिर गया, कुछ हो गया, वो टेम्पररी रिपेयर करता है लेकिन वो उसके जिम्मेदारी पे करता है या खर्चे का सवाल नहीं है लेकिन वो टेक्निकल
प्रॉपरली बराबर करता है कि नहीं, जैसे कि सरिया सड़ गई है वहाँ रेनफोर्समेंट ऑफ द स्टील प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, या उसी सलिया को एंटी रस्टिंग और जो जो दो चार प्रकार के जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर नॉलेजेबल है कि नहीं, इसके ऊपर सब जाता है। यदि वो स्ट्रक्चरल रिपेयर में या स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद सोसाइटी ठीक से करती है उसके बावजूद भी यह बड़े खर्चे में पीएम से भी अपॉइंट होता है, ये सब टेक्निकली एडवाइस के मुताबिक 20-25 के लिए ये बहुत जरूरी है। इस मेंबर्स के ऊपर बायलॉज में एप्रोप्रिएट क्लॉजेस, बायलॉज में प्रोविजन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट क्लॉजेस। सर आप तांडल साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास वक्त हो तो कुछ की पॉइंट्स आप बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जब भी आपके पास वक्त है, कोई जल्दी नहीं है। सेम टू यू मिस्टर बोरकर, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो हम बायलॉज के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस्टर सत्यनारायण, मिस्टर सत्यनारायण गौर, प्लीज प्लीज अनम्यूट सर। यस सर, हां यस सर, यस सर। हां मैं फिर से डिस्कशन को इंटरेस्ट वाले भाग में ले जाना चाहता हूं। यस सर, इंटरेस्ट वेव ऑफ करने का राइट पीएम को अगर हम दे रहे हैं तो होता यह है कि डिफॉल्टर कोई एक अकेला बंदा तो होगा नहीं, एक सब्जेक्ट के अंदर 6 डिफॉल्ट होंगे और मैनेजिंग कमिटी बायस्ड होके किसी एक का इंटरेस्ट वेव ऑफ करेगी और 5 का नहीं करेगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? टिपिकली इंटरेस्ट या जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसको वेव ऑफ करने का जो प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रायर नोटिस एजेंडा देना है जनरल बॉडी को, वहाँ पे डिस्कस होगा कि अनिल शर्मा का इतना 100 रुपया इंटरेस्ट है, इतना 100 रुपया प्रिंसिपल है, उनका रिक्वेस्ट आया है इस चीज को वेव ऑफ करने का, तो डिस्कस एंड डिसाइड टू वेव ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज सो एंड सो एंड और वेव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। तो ये जो डिसीशन है वो मैनेजिंग कमिटी के पास में नहीं है, इट इज ओनली विद द जनरल बॉडी, बिकॉज द ऑडिटर इज गोइंग टू आस्क यू दिस रेजोल्यूशन के साहब आपने ये वेव ऑफ किया, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन दिखाइए मुझे, अदरवाइज इट विल बी कंस्ट्रूड एज मिसअप्रोप्रिएशन बाय द मैनेजिंग कमिटी। तो कहने का मुद्दा ये हुआ कि जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन के बगैर आप कोई भी चीज वेव ऑफ नहीं कर पाओगे, वो रेजोल्यूशन ऑडिटर मांगने वाला है आपका, ये प्रोसीजर है। मिस्टर उपाध्याय आपको कुछ पूछना था क्या? मिस्टर उपाध्याय आपको कुछ पूछना था? हेलो, हाँ, जो भी रेजोल्यूशन पास होता है, सुझाव जो है, जो भी रेजोल्यूशन पास होता है अगर 60-70% लोग हाँ करते हैं तो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसमें वो लोग बाकी के लोग ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये अमेंडमेंट करना चाहिए बायलॉज में, ऐसा मेरे को लगता है। अदरवाइज वो बाकी के 20-25% जो लोग हैं वो अननेसेसरी न्यूसेंस करते हैं। जो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास होने का जो फंडा है, जो तरीका है, जो सिस्टम है, या जो नॉर्मल फॉलो होता है कि भाई सिंपल मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन पास होता है। अगर आपका जनरल बॉडी में 100 मेंबर की सोसाइटी है और उसमें आते हैं 20 लोग आते हैं, उदाहरण के तौर पर बताता हूं, किसे 20 लगाए, अभी 20 जो लोग आए हैं इनका क्या होता है, इनका जो रेजोल्यूशन के प्रति पॉजिटिव है मैं पास करता हूँ रेजोल्यूशन, ये ऑलरेडी मान लिया जाता है, दैट इज द लॉ। अब जो 20 लोग आए उसमें से अगर 11 लोगों ने ये बोला, मतलब सिंपल मेजोरिटी 11 हुई, अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स, अटेंडी जिसने अटेंड किया वो, उसमें से 20 में से अगर 11 ने ये बोल दिया कि भाई ये इंटरेस्ट इनको माफ कर दो, तो अब वो एक्चुअली रेजोल्यूशन में कितना हुआ, 11 प्लस ये एब्सेंटी 80, इनका साइलेंट कंसेंट बोला जाता है लॉ में, है ना। अब नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में साइलेंट कंसेंट सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। तो अगर 11 लोगों ने ये बोला कि इंटरेस्ट सॉरी जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो वो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन फाइनल है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 91, बिकॉज सॉरी सेक्शन 72, नॉट 91,
और उस रेजोल्यूशन को चैलेंज करना है तो 91 में करना है। तो 72 सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अटेंडी जनरल बॉडी का जो रेजोल्यूशन है सब वही फाइनल है, वो सभी लोगों के एडजस्ट सभी लोगों पर लागू है, अनफॉर्चुनेट है पर इट इज ए फैक्ट ऑफ मेरा अमेंडमेंट करना यह सुझाव जो है कि बाकी जो 9 लोग है यार, 100 में से 70 लोग आए हैं, उनमें से 60 लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, रहे 40, यानी कि 10 लोगों ने किया नहीं, बाकी 30, बट वो जो 10 लोग जो ना बोलते हैं, इट इज उनके ऊपर वो मैंडेटरी होना चाहिए, दे शुड नॉट गो टू द हायर अथॉरिटी टू आस्क। तो ये जो जिसमें वो टाइम जाता है, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसमें ये मेरा सुझाव है कि वो बायलॉज में आना चाहिए। अगर 51 लोगों ने हाँ किया तो बाकी 49% का जो है उनका मानना ग्राह्य नहीं पकड़े, ऐसे ये सुझाव मेरा है कि हमारी सोसाइटी में खाली 4 लोगों की वजह से बाकी का मटके आउट ऑफ 24। सही है, और वैसा ही होता है कि अगर 100 लोगों ने अटेंड किया जीबी में जनरल बॉडी और 51 लोगों ने बोल दिया कि ऐसा है, तो वो बाकी सब पर मान्य है, फिर वो कॉपरेटिव कोड भी उस पर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि रेजोल्यूशन अगर आपने प्रॉपरली टाइप किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेजोल्यूशन शुड बी ऑलवेज प्रपोज्ड बाय मिस्टर अनिल, सेकेंडेड बाय मिस्टर सुनील, पास्ड यूनानिमसली। अगर आपने ये 3 शब्द नहीं डाले रेजोल्यूशन में तो आपका वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड है, प्लीज ध्यान रखिए। कई सोसाइटी लिखते हैं रिजॉल्व सो एंड सो, प्रपोजर का नाम ही नहीं है, सेकेंडर का भी नाम नहीं है, और ये भी नहीं है कि वे पास किया, वो रिजोल्यूशन में पास किया हुआ है कि रिजेक्ट किया हुआ रिजोल्यूशन है, ये भी लिखते नहीं क्लियरली। एनीवे, आपका कोई सुझाव होगा तो बताइए सर। पक्का, और हमारे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, हमारे सोसाइटी जो सीनियर पर्सन है वो आपके पास, ही इज वेरी मच नॉलेजेबल, हमारी 35 साल से वो सोसाइटी चला रहे, मैं उनका नंबर आपको शेयर करूंगा, ही विल बी, अगर वो कमिटी आपके कमिटी में आ गए तो ही हैज अ ग्रेट नॉलेज विद द सोसाइटी। यस सर, मेरा सुझाव है कि उनको नेक्स्ट टाइम वेबिनार जो करते हैं बायलॉज कमेटी का, बायलॉज के लिए वेबिनार, तो उनको पक्का इनवाइट करिए और yes, फिर उस पे yes. उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मिस्टर उपाध्याय फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, थैंक यू। कैन आई स्पीक? मिस्टर दिलीप राव। थैंक्स हेमंत जी, मुझे ये कह रहा था अभी आपने को बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है कि अभी सोसाइटी में आपने भी बताया था कि मैनेजमेंट कमेटी में बहुत सारे कोई आने को लिए तैयार नहीं रहते, विलिंगली वो अपना डिस्कशन हो गया था। तो मुझे मेरा ऐसा एक मेरा एक सुझाव है, अगर ये कमेटी मेंबर को अगर कुछ ऐसा ऑनरेरियम में तो या कुछ बायलॉज में प्रोविजन करते हैं तो पर्पस थोड़ा सर हो जाएगा, मीन्स आदमी वो ऐसा लगता मुझे, एक सजेशन है मेरा। नहीं, खुल के बताइए, समझे नहीं सर। हाँ सर, आप खुल के बताइए आपका सुझाव क्या है, आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए करके। हाँ नहीं, अभी क्या कमेटी मेंबर फॉर्म करने के लिए आदमी विलिंगली ये नहीं रहते हैं, मालूम अगर क्या कुछ काम करेगा तो उसमें कुछ पेनल्टी वगैरह भी है, अगर पेनल्टी है तो उससे वजह उससे सेम टू सेम पैरेलल लाइन पे अगर कुछ काम करते हैं तो उसको कुछ ऑनरेरियम भी दिया कुछ रखेंगे तो आदमी भी थोड़ा आ सकते हैं और उनको थोड़ा रिलीफ भी मिल सकता है और जो इंटरेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। राव साहब, आपको ये बता दूं कि आप, मैंने शुरू में भी बता दिया कि आप कमेटी में क्यों नहीं आते हो, उसके कुछ कारण है। मुख्य कारण है वेग का मतलब हिंदी में क्या है कि मतलब अनसर्टन, पता नहीं कानून में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी के बारे में बताया, वैसे और भी सोसाइटियां हैं, इसका खुलासा कानून में ठीक से किया नहीं, और उस चीज को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए और प्रॉब्लम करने के लिए ये कन्फ्यूजन वाला बायलॉज लेकर आ गए हैं जिसमें खुलासा कुछ भी नहीं है, चेंजेस कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है जो उसने बायलॉज बनाया है उसी को पूछोगे तो उसको खुद ही पता नहीं चल रहा है, वो खुद ही जवाब नहीं दे पाता है। तो इसीलिए ये बायलॉज को इतना सरल बनाइए कि आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आज के दिन में जो 10 लोग आते हैं 100 मेंबर के सोसाइटी में, 10 मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनने को आते हैं, ये बायलॉज को एकदम सिंपल और बना देंगे तो कम से कम 20 लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे। बायलॉज ठीक से नहीं है इसके लिए आप आने को नहीं देखते हो, बोल रहे नहीं 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 तो झंझट का काम है, पर सरल बनाइए ना एक काम को, सीधा सीधा बनाइए एक काम को ताकि वो
लोगों को प्रोत्साहन मिले आने के लिए। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं ना हम लोग अच्छी तरह से। लेकिन अगर यही 55 लोग मैनेजिंग जनरल बॉडी में बात कर रहे होते तो एक दूसरे को चिल्लम चिली करते, मिर्ची लगाते, गाली गलौज करते, उल्टा सुल्टा बोलते। तो अगर मैं होता उस जनरल बॉडी मीटिंग में तो बॉम्बे की भाषा में मैं ये बोलता, खड्डे मध्ये जाऊ दे तुझ्या जनरल बॉडी मीटिंग, मी माझा घरात चाललो। मेरा तो एक सजेशन है, सब कॉर्पोरेट सोसाइटी को इन लोग हमेशा एक अगर कुछ कल्चरल प्रोग्राम पूजा वीजा रखते हैं तो पूजा के समय मेरे ख्याल से बायलॉज का जो कम से कम इम्पोर्टेंट जो है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंड राइट्स वो खर्च पढ़ के बताना चाहिए हर एक को सबने। yes, आप कल्चरल एक्टिविटीज का भी आज फेस्टिवल ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन आप बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करिए, उसको रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रार के आपके डीआर के पास में अधिकार नहीं है कि आपने जो सजेस्ट किया वो रिफ्यूज कर दे जब तक कानून के दायरे के अंदर। बराबर सर, आप अपना पॉइंट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम लोग उस चीज को नोट कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। उदय कुमार तांडल साहब, आप कुछ बोल रहे हैं सब सब्जेक्ट पे? उदय कुमार तांडल साहब, आई विल कम बैक टू द रेस्ट ऑफ। हां सर, मैं इस सिलसिले में, यस सर, तांडल साहब सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग कमेटी में क्यों नहीं आते हैं। अभी ये मॉडल बायलॉज 65-67 में जो मेंटेनेंस चार्ज में सर्विस चार्जेस पे डिस्क्राइब किया है, उसमें 10 रुपया पर मेंबर पर मंथ ये हम लोग निकालते हैं, और निकालना भी चाहिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे हो ना आप? हाँ, एजुकेशन फंड की। और एजुकेशन फंड यदि हम कंपलसरी निकालते हैं तो एजुकेशन क्यों नहीं किया जाता सोसाइटी में मिनिमम 20% ऑफ द मेंबर्स? यदि ये मोमेंट यदि फास्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम लोगों को इसका नॉलेज आएगा और जिम्मेदारी समझेगी। आप जो शुरू में बोले हैं कि कमिटी में आने से एक तो गाली खानी पड़ती है या करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं या अलग तरीके से लोग अलग नजर से, ये सही है, उसको बहुत भुगतना पड़ता है। जो प्रामाणिक तरीके से काम करता है तो बहुत भुगतना पड़ता है, इसके बावजूद भी बदनामी भी बहुत होती है। ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन इज द ओनली वे। मैं जनरल मेंबर्स को ट्रेनिंग करके सोसाइटी क्या चीज है, कोऑपरेटिव क्या चीज है, इसका अवेयरनेस जैसे कि फेडरेशन लेवल में होता है या कोई एनजीओ लेवल से होता है या आपके लेवल से होता है, इसको मूवमेंट को चालना मिलनी चाहिए, ये मेरा राय है सर। सर, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड मैंडेटरी है, उसमें 20% लोगों को आना है कंपल्सरी, बाकी 80% को क्यों नहीं आना ये कानून में नहीं लिखा हुआ है। पैसा तो 80% लोगों से भी ले लिया आपने, चलो वो छोड़िए। अभी ऐसा है कि फायर एक्ट में ट्रेनिंग का प्रोविजन है, फायर एक्ट में, ओके। बीएमसी एक्ट में इवैक्यूएशन ट्रेनिंग का प्रोसीजर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी ऐसा ही है कि इस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, लिफ्ट के, ये सब कानून है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास वक्त नहीं है उस चीज के लिए, ये हर कोई बोलना चाहता है। मैं दोपहर को ट्रेनिंग रखा है 2 बजे के लिए, तो मेरे को नींद आ रही है, मैंने खाना खाया है, मेरे को नीचे नहीं आना है, मैं शाइस्टर हूँ, मैं शर्मिला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे बच्चे का देखना है मुझे, मेरे को मार्केट जाना है 1 घंटे के बाद में। और वो जो ट्रेनर है वो आना है उसको मंगलवार को दोपहर को 2 बजे, जो मैनेजिंग कमेटी ने टाइम तय किया हुआ, और इस चीज के बारे में 1 हफ्ते पहले नोटिस भी लगा देता है। लेकिन हम मेंबर्स अलग अलग बहाने ढूंढते हैं नहीं आने के लिए। और ये मैं सिर्फ मेरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हर कोई ऐसा कर रहा है। तो अभी पिछले टाइम पे क्या हुआ, कुछ 2-4 साल पहले डिपार्टमेंट ने ये बोला, वो एक एक्टिव मेंबर का कंसेप्ट निकाला कि 5 साल में एक भी मैनेजिंग कमेटी अपना एक भी एजीएम में नहीं आया तो उसको ये दंड लगेगा, वो पेनल्टी लगेगा। बगैर इसका इस्तेमाल किए हुए वो क्लॉज डाल दिया, और बाद में जब ये थोड़ा सा जागा, खिड़की खुली, तो वो क्लॉज निकाल भी दिया। तो जिसने ये कानून बनाया उस समय उसका ये बंद हो गया था क्या, और बाद में वो खुल गया? तो कानून बनाने वाला ही गलत कर रहा है सर, इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जो चीजें हो सके, मैंने यहाँ पे उंगली रखी, शायद सबको नहीं दिखा, दिमाग की बात कर रहा हूं मैं, कि दिमाग से ये इस्तेमाल किया कि एक्टिव मेंबर बनाएंगे,
बाद में वही दिमाग का इस्तेमाल करके बोला नहीं नहीं एक्टिव मेंबर नहीं बनाएंगे। आपको याद है 2012 के पहले एक M20 बॉन्ड हुआ करता था, M20 बॉन्ड नहीं भरा तो मैनेजिंग कमेटी से बाहर, वो हटा दिया। अब अगर किसी को ये कारण पूछो कि भाई क्यों हटा दिया, अच्छा तो था वो चीज, मैनेजिंग कमेटी थोड़ा सा संभल के काम करती, लेकिन इसका जवाब नहीं है। तो ऐसे कई कानून है जो वो हमारे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते जाते हैं। तो ये बायलॉ कमेटी का मुद्दा ये रहेगा कि जो जो हो सके हम आसान करें। मैंने एक लाइन बनाई थी, आपको फिर से सुना दूं कि ऑब्जेक्टिव, ये जो हमारा आज का मुद्दा है कि ऑब्जेक्टिव बायलॉ रिफॉर्म्स डिस्कशन कमिटी इज टू रियली सिंप्लीफाई द बायलॉस एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस ग्रीवेंसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंगस्ट हाउसिंग सोसाइटी मेंबर। कई बार आपने देखा होगा कि एमसी बोलती है, एमसी मींस मैनेजिंग कमेटी, एंड बायलॉ में ये लिखा है, लेकिन एक बार अगर उसको बायलॉ नंबर पूछ लो तो उसका ये काम करना बंद कर देता है। तो अगर बायलॉस को अगर आप ठीक से एकदम रियली सिंपल बनाइए ना, उस चीज को 2+2=4, और उसमें फॉर्मूला क्यों देना है कि ये रेस टू होना चाहिए, ये उसका पाई होना चाहिए, ये उसका डिविजन सेंस होना चाहिए, व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग ऑल दोस थिंग्स। साधारण इंसान के लिए बन रहा है, साधारण तरीके से बनाइए ना। एनीवे थैंक यू मिस्टर तांदिल फॉर ऑल योर फीडबैक। वी विल टेक इन क्वेश्चन ऑफ लीना फड़के, स्मॉल क्वेश्चन प्लीज। लीना जी आप माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो सर। सर मेरा एक दो तीन सजेशन है, छोटे से है। एक सेकंड लीना मैडम, एक सेकंड तांदिल साहब, आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन आवर बायलॉज कमिटी आल्सो, स्पेसिफिक बायलॉज कमिटी। ओके सर। तो प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज सो दैट आई कैन ऐड यू ओवर देयर, एंड व्हेन दिस कमिटी टेक्स प्लेस, स्पेसिफिक कमिटी वेबिनार टेक्स प्लेस, वी इनवाइट यू सर। ओके सर, थैंक यू। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लीना जी। हेलो सर। सर जैसे एक आपने अभी सजेस्ट किया आपके बातों के दौरान कि M20 बॉन्ड पहले था, अभी हटाया गया, सर इसके वजह से बहुत सारी बार मैंने जो इश्यूज फेस किए हैं वो ऐसे होते हैं कि कमिटी मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोरेंट हो जाती है बहुत सारी चीजों के लिए। अगर M20 अगर री इन्फोर्स कर सके तो वो बहुत अच्छा होगा, एक ये चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो इंटरेस्ट पिनलाइज कर रहे हैं 21% और व्हाट सो एवर, तो अगर कोई मेंबर पैसे नहीं भर रहा है तो पेनल्टी इम्पोज हो रही है, लेकिन रिवर्स सिचुएशन में अगर कोई मेंबर से एक्सेस पेमेंट कलेक्ट किया जा रहा है और उसको रिफंड आना है सोसाइटी अकाउंट से, लेकिन सालों साल उसको रिफंड ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की प्रोविजन है नहीं है ना मैडम? पक्का है, आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करो जी, गारंटी टू गारंटी 9% तो पक्का ही मिलेगा, प्लस आपको डैमेजेस भी मिलेगा उसके अंदर। ओके, लेकिन 1000% मिलता है। करेक्ट, लेकिन बायलॉज में क्लियर कट आएंगे तो एटलीस्ट मतलब ये थोड़ा बहुत क्या होता है, इसमें मेंबर भी सफर हो रहे हैं। यस, वेरी गुड सजेशन। तो ये एक अगर कर सकते हैं तो ये मतलब सुझाव ही है, मुझे नहीं पता ये कितने वैलिड है, जस्ट वैलिड सुझाव है मैडम, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट सपोर्ट करता है अगर। करेक्ट, तो जो एक कानून सपोर्ट करता है तो दूसरे कानून में इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आई विल सजेस्ट यू, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो आप पॉइंट है मेरे को स्पेसिफिक व्हाट्सएप में डाल दीजिए। बहुत सारी सोसाइटीज में जब AMC पास होती है, अगर आज आप कल देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है जो मोर देन 500-600 सोसाइटीज के है, सॉरी मेंबर्स के है, तो ये लोग AMC पास करते वक्त कोई भी रूल या रेगुलेशंस जो मेंटेन किए हुए बायलॉज में वो फॉलो नहीं होते। जैसे कि अगर मोर देन 200 मेंबर्स है तो आपकी लिमिट ये है, विद इन कमिटी आप ये लिमिट का AMC पास कर सकते हो, लेकिन वो क्या कहते हैं जो सेक्शंस लिखे हैं अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि अरे ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लिखा हुआ है कि 50 मेंबर्स के लिए, अब वो 50 है तो फलाना रुपीस, मोर देन 100 है तो 1 लाख रुपीस फलाना मेंबर्स, तो ये मेंटेनेंस के तरफ जा रहा है, लेकिन ये कहीं तो इंटरप्रिटेशन मिसिंग हो रहा है कि वही चीज AMC पे भी लागू है। बहुत सारा AMC STP है, हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटीज है, तो ये लाइफ थ्रेट भी हो जाता है, जैसे फायर वाला भी है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगे है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो आपको ये कमिटी को लेके सारे सुझाव जनरल बॉडी के पास रखने हैं, ये क्लियर कट कहीं नहीं लिखा है बायलॉज। लेट अस सी, मैं आपसे 2 मिनट डिस्कस करना चाहूंगा। जी जी। फायर, फायर को लेके, फायर का कंप्लायंसेस नहीं किया करें,
लेट अस से वो सैंड बकेट रखा नहीं, लेट अस से वो फायर एक्सटिंग्विशर रखा नहीं, लेट अस से वो फायर का जो रील होता है ना, जो होस पाइप जिसको बोलते हैं, वो रखा नहीं, नहीं रखा तो फायर डिपार्टमेंट का पेनल्टी है, वो तो अलग है। आपका सुझाव ये हो सकता है क्या कि ये नहीं किया तो मैनेजिंग कमेटी पे इतना फाइन लगना है, कैन बी इनकॉर्पोरेट दिस इन द बायलॉ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मेरा अनुभव इतना है नहीं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन हाँ ऐसे होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानों का मतलब दाव पे लगा रहे कि कैसे होता है कि एएमसी के लिए अगर फायर का करना है तो वो कोई प्रॉपर होना चाहिए, ना कि कोई मतलब ऐसे एरे गेरे उठा के किसी को दे दिया, क्योंकि उसका कोई कमीशन बन रहा है कमेटी के साथ। मैं एक इसमें एक चीज और कर दूं कि फायर ब्रिगेड वाला जो आता है वो एक आध साल में एक बार आता है जी, ठीक है, और नॉर्मली वो आता है तो वो एक तरह से अलग अलग किस्म के घटनाओं अलग अलग किस्म का नजरअंदाज करने का उनकी क्षमता है जी, ठीक है। अभी अगर मैं ये बायलॉज में लिखूं कि फायर बकेट नहीं है, मैनेजिंग कमेटी को 100 रुपया पर डे का पेनल्टी लगेगा, ठीक है, तो वो जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है या इंटरनल ऑडिटर है या जनरल बॉडी का एक मेंबर बोलेगा कि मेरे फ्लोर पे फायर बकेट नहीं है, ये उसका फोटोग्राफ है और ये 4 लोगों का स्टेटमेंट है, तुम्हारे को ऊपर 1 महीना तक ये नहीं था, 3,000 रुपये पेनल्टी लगना है उसके ऊपर। तो बायलॉज कैसा है कि बायलॉज बना हुआ है आपके लिए जी, और जो बायलॉज में लिखा है वो आपको आप पर बाध्य है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये वाला बायर क्लॉज जो है वो मेरे ऊपर लागू नहीं है करके। अगर ये जनरल बॉडी में ऐसा हम बायलॉज पास कर देते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी लेजिटिमेट कानूनी तौर पे कोई भी पॉइंट आप बायलॉज में डालते हो कानूनी तौर पे तो वो लागू पड़ता है। उसमें डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपका ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो मॉडल बायलॉज में लिखा नहीं, वो मॉडल बायलॉज को साइड में रख दो, कचरे के पेटी में डालो, मैंने जो बायलॉज दिया हुआ है क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है वैसा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 2, 13, 14, 16 एंड रूल 8, 9, 12 and 13 कि आप अपना खुद का बायलॉज बना सकते हो। करेक्ट। तो अगर आपके खुद के बायलॉज में आपने ये लिखा कि फायर बकेट नहीं है 100 रुपए के पेनल्टी, ओके, ट्रेनिंग नहीं लिया आपने, मैनेजिंग कमेटी ने ट्रेनिंग नहीं लिया, ये पेनल्टी, तो ये लागू पड़ता है। Okay. लोगों जनरल बॉडी मेंबर्स को भी तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि साहब अगर मैं मैनेजिंग कमेटी के कुर्सी पे आया तो मेरे को ये सब सारी चीजें करनी है। ओके। या तो वो ये बोलेंगे अरे नहीं नहीं इतना सब झंझट का काम है मैं क्यों करूं। लेकिन आप सेम टू सेम कॉर्पोरेट में भी तो देखो, बड़े होटलों में भी तो देखो, यही सब चीज वहां पे भी होती है, वहां पे स्टाफ रखा हुआ, लेकिन होता है और कंप्लायंस धीरे से होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है कि वहां पे फायर बकेट नहीं, ऐसा नहीं है, है। सेम टू सेम सोसाइटी में हो सकता है, तो खाली हमारी सोच की फितरत है कि हम ये नहीं करते, एक बार लागू पड़ गया तो इजीली होता है। लेकिन सर सिर्फ इसमें एक चीज मिसिंग हो जाती है कि कमेटी कहती है कि भले 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बायलॉज क्लियर स्पेसिफिकली नहीं कह रहा है कि आपकी लिमिट क्या है। यस, वो अगर इनकॉर्पोरेट हो तो ये सारी चीजें मतलब जब जनरल बॉडी के सामने आती है तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जनरल बॉडी में क्लियर कट ही आएंगी। yes. पर वो आने के लिए कहीं ना कहीं बायलॉज में एक अगर टर्म्स रखे कि अगर 50,000 के ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट तो आपको जनरल बॉडी से परमिशन देना मैंडेटरी है। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे पॉइंट जो आप बता रहे हो और भी कोई पॉइंट आएंगे आपको जैसे जैसे आएंगे जी, मुझे व्हाट्सएप पे भेजते जाइए, मैं वो पॉइंट को कंपाइल करूंगा और हम अपने कमेटी के सामने रखेंगे। ओके, वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय किशोर समतानी, काफी देर समय से है, प्लीज किशोर समतानी साहब। हाँ सर, मेरा पोजीशन है कि जो हम अपना मेंबर नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है, हाँ जी, उसके डेथ के बाद सोसाइटी बोलती है अपना नॉमिनेशन ट्रांसफर नहीं करती है, विल लॉ ये लॉ वो लॉ, तो बायलॉज में ऐसा प्रोविजन होना मांगता है कि नॉमिनेशन अगर मेंबर ने फाइल किया है, हाँ जी, तो उसका फ्लैट ट्रांसफर हो जाना चाहिए, उसके बाद में जब वो सेल करता है तो क्या मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं तुम खाली नॉमिनी हो तुम सेल नहीं कर सकते हो, जो उसका अधिकार उसको मिलना मांगता है बायलॉज में। जो बोला वो एक कानून के विपरीत है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कानून के विपरीत है जी। ओके, नॉमिनी एक चौकीदार है,
एक सिक्योरिटी गार्ड है, आपने शाम को नीचे उतरे, भाई चौकीदार साहब ये मेरी गाड़ी की चाबी है, आप इसको संभाल के रखो थोड़ी देर के लिए, मैं जाके आता हूँ। अब आप पीछे से वो चौकीदार वो गाड़ी को खोलता है, चला के आता है, ठोक के आता है, बेच के आ जाता है। ये वही हिसाब हुआ कि वो नॉमिनी को सारा का सारा अधिकार दे दिया। तो कानून में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है सर जो आप कह रहे हो। कानून में नॉमिनी जो सर मेरा ये है कि जो जिसके नाम पर ट्रांसफर किया है वो लिख के देता है कि मेरे पास कोई भी लीगल दूसरा लीगल आया नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, कुछ भी कुछ कुछ इंक्वायरी आया है या कुछ लफड़ा हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के देता तो बस हो जाए ना सर। नहीं सर, कानून में वैसा अरेंजमेंट नहीं है। उसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मोबेडियन लॉ है, इंडियन सक्सेशन, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मोबेडियन लॉ सब वो कानून का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आदमी गुजर गया है तो उसके जो वारिसदार है, मतलब कानूनी वारिसदार ले लो और गैर कानूनी वारिसदार ले लो। अभी अनिल शर्मा है, उसकी एक बीवी है, पर पता चलता है कि नहीं उसकी एक बीवी और है, वो तो गैर कानूनी हो गई, चलो ठीक है, लेकिन उसके जो अगर बच्चे हैं सेकंड बीवी के जी, वो कानूनी बच्चे माने जाते हैं जी, गॉट इट। तो हक तो उसका निकलेगा ही निकलेगा। अनिल शर्मा के अगर दो कानूनी बच्चे हैं और दो गैर कानूनी बच्चे हैं तो सर मैं इनके एक ही वाइफ है, एक ही बच्चा है, तो वहां कोई तकलीफ नहीं होने मांगती है सर। होता है ना सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। आज आप कह रहे हो कि एक वाइफ है, एक बच्चा है, मेरे तजुर्बे में ऐसे कई केसेस आए कि 5 साल के बाद में एक औरत उठ के आती है, मैं इसकी बीवी हूँ, ये उसका बच्चा, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, तब आप क्या करोगे सर? करेक्ट। इसीलिए कानून कचहरी का दरवाजा, कानून का डिग्री लेकर आओ, कर लो, ताकि आपको तकलीफ ना हो उस चीज के लिए। एनीवे किशोर साहब, संतानी साहब, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर महादेव पुराणिक प्लीज। साहब तुमचा अनम्यूट करा, महादेव साहब। या थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। यस सर, आई हैव कपल ऑफ पॉइंट्स बट आई विल स्पीक ओनली 2 पॉइंट्स जस्ट नाउ। यस सर, एंड इफ आई एम गिवन टाइम आई विल स्पीक मोर पॉइंट्स सर। रिगार्डिंग वी हैव गॉट ओनली टोटल 30 मिनट्स एंड आई हैव गॉट एट लीस्ट 5 मोर सीनियर क्वेरीस्ट ओवर हियर, सो वी विल टेक ओनली 1 or 2 पॉइंट्स ओनली। यस थैंक यू sir. As far as the cultural activities are concerned, there are a lot of disputes and members say that it is voluntary, it is not mandatory. So my suggestion is in the new bylaws it should be specifically provided as cultural contribution in service charges, so that there is no ambiguity left or left to the discretion of the AGM to decide. This is one point I want to suggest. And second point, I would like to suggest that, bylaws beyond, say, particular, say, beyond, say, 50 members, the internal auditor must be made mandatory. Today, it is left discretionary. The reason being, nowadays, there are large projects whereby each society is having 100, 200 members. The exposure to funds is very, very high. So, relying only on a statutory audit is not enough. The internal auditor can always focus on processes and procedures and bring out his observation that there can be some sort of checks and balances. And hence my suggestion is bylaw should make it mandatory rather than leaving it discretionary. Make it mandatory, but mandatory is possible only if you prescribe mandatory provisions. What according to you is the mandatory provisions? You tell me, after that I'll tell you something. Yeah, like in case of general body meeting, it says that you have to appoint the statutory auditor for next financial year. Similarly, there should be one more clause, that appointment of internal auditor for next year. Simple. That is the only appointment of statutory auditor is already covered under section 75. Okay. Yeah. आपने अगर internal audit अपना, आपने अगर auditor का agenda नहीं डाला, तो आप 5 साल के लिए debar हो गए. वो section 75 में लिखा हुआ है already. अब इंटरनल ऑडिटर की बचा तो एक्ट में क्या लिखा है 75 में, सेक्शन 75 में, कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फाइनल ऑडिटर को अपॉइंट करो, नहीं तो 5 साल के लिए बाहर चले जाओ, तो ये मैंडेटरी पेनल्टी हो गया उसके लिए। इंटरनल ऑडिटर के लिए अगर हम बायलॉज में लेते हैं और मैनेजिंग कमिटी नहीं उस चीज पे गौर करती है, तो हमें मैंडेटरी पेनल्टीज क्या लगाना चाहिए उसके बारे में सर आप बताइए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ प्रोविजन डालोगे टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर फॉर FY so and so,
मैनेजिंग कमेटी बोलती है खड्डे में जाओ, नहीं करता है। अब क्या करना चाहिए उस चीज के ऊपर? Penalties to the managing committee, because it is a question of members' money which is being used for various expenditure, and members should be at rest. Like today you see there is a lot of mistrust amongst majority of the society that I don't know to elaborate. So we can curtail to some extent, not completely stop. That is the object. So can we say ki internal auditor ka provision rakho? इंटरनल ऑडिटर नहीं रखता हूँ तो मेरे ऊपर 10 रुपया पर दिन का पेनल्टी लगना है। इज दिस आइडल इनफ एज ए बायलॉ क्लॉज फॉर दिस थिंग? आई एम अनेबल टू कमेंट सर। See, unless and until you give out a deterrent, है ना, आप उसको बोलो कि ये नहीं किया तो ऐसा होगा आपके ऊपर, जब तक ये पर्टिकुलर चीज नहीं आएगी आपका बायलॉज फेल होता रहेगा, आपका गवर्नेंस सोसाइटी का ठीक से नहीं होगा। तो आपको ये क्लासिफाई करना है बायलॉज में कि साहब नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का एनओसी आपने इस दौरान नहीं दिया तो आपको फला 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 चीजें आपको लागू पड़ेगी, आपने मेंबरशिप ट्रांसफर इस कारण से नहीं किया तो आपको ये भी पेनल्टी लगेगी। आज के दिन पे क्या होता है कि आप मेंबरशिप के एप्लीकेशन आया, आपने अनंत फंड ने बोला कि चल नहीं करता हूँ, वो बेचारा डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाता है, धक्के खाता है, वहां पे भी पैसा खिलाता रहता है और फिर बाद में उसके मेंबरशिप मिलती है, एक साल निकल जाता है। यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी मीट जो है वो सोसाइटी के खर्चे पे लीगल चार्जेस भरती है और उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप बायलॉज में ये डाल के रखो कि भाई आपने ये नहीं किया, इतने बार नहीं किया तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाने वाले हो, आपको कोर्सेज उतरना पड़ेगा या आपका इतना पेनल्टी लगना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये डालने में हमें क्या तकलीफ है सर? क्योंकि ये कानून के विपरीत नहीं जा रहा है, ये कानून के दायरे के अंदर नहीं है। यस सर, आई एग्री विद यू सर, बट द इंडिविजुअल सोसाइटी पुटिंग इन द बायलॉज एंड कमिंग and the bylaw issued by the government will make a big difference. For your information, government has got no authority to give you a bylaws. Cooperative department ke website mein jo bylaw diya hua hai, it is called model bylaws, sample thing. Wo aapko iske liye diya hai ki just because you are not able to understand to ye copy le lo aur usme jo marzi aaye aap change karte jao, iske liye diya hua hai. The department does not say कि ये मैंने बायलॉ दिया हुआ है, आपको यही और यही बायलॉस लेना है करके। ये हमारी गलती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, है ना, हम इतने सुस्त हैं कि मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, जो बायलॉ आया 50-60 रुपए वाला उसी को एडॉप्शन लेके कर ले। इसीलिए तो ये सारी तकलीफें हो रही है ना सोसाइटीज में सर, इसीलिए तो मेंबरशिप ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। इसीलिए जैसे अभी वो कोई मैडम ने बताया, फड़के मैडम ने बताया कि एएमसी के बारे में कुछ भी कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू लिस्ट आउट एट स्पेसिफिक थिंग्स। 1960 का बायलॉज के क्लॉजेस अभी भी वैसे ही के वैसे ही चले आ रहे हैं, बाकी कानून भी बदली हो गए, बीएमसी ने भी अपना कानून बदली कर दिया, फायर एक्ट ने भी बदली कर दिया, इनकम टैक्स ने भी बदली कर दिया, नया जीएसटी कानून आ गया, एमआरटीपी में भी चेंजेस आ गया, बायलॉज में चेंजेस क्यों नहीं किया सर आपने अभी तक? एमसीएस एक्ट भी कितनी बार चेंजेस हो गया, कम से कम एक दर्जन के ऊपर तो एमसीएस एक्ट चेंज हो गया। 2014 में इलेक्शन रूल्स जो पहले कभी था ही नहीं, वो नया रूल्स अलग से क्लासीफाई होके आ गया। तो वी नीड टू चेंज इन द बायलॉज इटसेल्फ, क्योंकि साधारण आदमी बायलॉज देखने वाला है सर जी, एक्ट और रूल्स नहीं देखता है वो, उसके पास उतना समय नहीं है। ओके, थैंक यू सर। आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आपके भी जो भी पॉइंट्स आपने भेजे हैं मुझे पता है, और भी कुछ पॉइंट्स हो तो भेजिएगा। आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड यू इन द बायलॉ कमेटी ग्रुप ऑल्सो, थैंक यू अलग से।
Thank you, sir. Okay. Next question was by Mr. Ravi. Mr. Ravi, are you there? Mr. Ravi, please. Don Bosco, please. Yeah, hello, sir. This is Bharat Bhandari here. Achha, sorry. I'm sorry. I thought you are yeah. Ravi. Go ahead, Mr. Bhandari. Yeah, so my question is like sinking fund में से 0.75% लिखा है construction cost के. So in that the construction cost earlier जब हम लोग start करते हैं society तो we consider that. Then उसके बाद changes नहीं करते हैं. So I think that in the bylaws it should be mentioned that an architect should be appointed and architect should basically give a you know the existing construction cost and then it should be like every 3 years or maybe 5 years. The process should be followed, so that will basically help in you know getting an exact value of the construction cost and accordingly that sinking fund can be adjusted. Yes, very good understanding, sir. ठीक है sir, और कुछ? और एक था sir कि many of the members were telling about the penalty clauses for the managing committee. So problem ये है कि managing committee में अगर हम लोग penalty ज्यादा रखेंगे तो then managing committee में आने के लिए they will not be encouraged much. So there should be some sort of a thing where the encouragement will also be there. So you know people will come be in the managing committee. Sir, I'll give you an example in lieu of your query. When you are requested to join as a director or as an MD or of a company, वगैरह, that time you are very much keen to join it. Same responsibilities है, बल्कि 100 गुना ज़्यादा है वहाँ पे. वहाँ पे of course आपको पगार पानी मिल रहा है, perks मिल रहा है, वगैरह वगैरह. लेकिन वो कंपनी आपकी नहीं है, remember that. और वो कंपनी कल आपको गुड बाय भी बोल सकती है, टाटा भी बोल सकती है. लेकिन ये जो सोसाइटी आपकी खुद की है, क्योंकि आपका खुद का प्रॉपर्टी भी है उसके अंदर, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कम से कम. चलो सोशल का छोड़ दो, लेकिन मॉरल तो है कि मेरा खुद का भी उसके अंदर पैसा लगा हुआ है, तो बिल्डिंग ढंग से रिपेयर मेंटेनेंस हो करके. और अगर वो करने के लिए भी मैं अगर सामने नहीं आता हूं तो मैं क्या हूं वहां पे? फिर मैं होटल का टेनेंट हूं, आया गया हूं, ऐसा है कुछ? और जैसे मैंने अर्लियर भी बताया कि कानून सीधा नहीं है, इसके लिए हम कतराते हैं मैनेजिंग कमेटी बनने से, मेंबर बनने से. हमारे बाकी भी मेंबर शोर शराबा करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाते रहते हैं, इसके लिए भी हम नहीं आते. लेकिन वो शोर शराबा क्यों होता है? क्योंकि जो कानून बना हुआ है इस समय वो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं है, इसीलिए स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करना है ना अपने को. जो मुद्दा है वेबिनार का वो वही है. आप अगर बोलोगे कि इलेक्शन इस प्रोसेस से लड़ना है, तो वही आप बायलॉ में देखोगे. अच्छा ये प्रोसेस हो गया, चेकलिस्ट कितने, 1 हो गया ना, 2 हो गया ना, 3 हो गया ना, 4 हो गया ना, 5 हो गया ना, 6 हो गया. अब बोलोगे नहीं नहीं ये छूट गया बीच में, तो छूट गया तो छूट गया, क्योंकि बायलॉज में वो क्लॉज नहीं है. जोड़ना है क्या? जनरल बॉडी का सम्मति लो, यस लो, कंसेंट लो, बायलॉ का अमेंड करो, 7वां 8वां 9वां तो जोड़ो ना उसके अंदर. कोई रोक थोड़ी ना है, कानून तो अप्लाई अलाउ कर रहा है वो चीज को आपको. ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट कि यू कैन अमेंड द बायलॉज अकॉर्डिंग टू योर विशेस एंड मेक इट रियली सिंपलर. तो यू हैव टू गिव दैट थिंग इन सच ए सिंपल मैनर That you do it properly, military fashion में. military में कैसा है कि भाई इसके बाद में यही करना है, अगल बगल में देखना ही नहीं है, ऐसा है. तो it is achievable, Bhandari साहब, it is achievable and I believe it is very easily achievable. Sir, और कोई सुझाव है before I go to the next participant? Nothing, sir. Okay, thank you, Mr. Rishi Kapahi. Please unmute yourself, sir. Yes, sir. Good yes, evening. Sir. Yes, sir. Good evening, sir. So my suggestion was that in the proposed bylaws that we are trying to have incorporated, there should be some sort of provision or some sort of
thing where the managing committee is sort of time bound to sort out queries of the members, or where members are putting forward some problems that they are having, or they are asking for some sort of information, the managing committee should address it in a time-bound fashion. For example, sir, as I think most people must be also experiencing, managing committee only take up what they feel is comfortable for them. Any question or any query which becomes a slightly sticky matter or which they are not comfortable with, it is like brushing it under the carpet, that, you know, baad mein dekh lenge. And wo baad mein kar karke kya hota, the committee only changes. And then the new committee who comes says that, oh, this is an inheritance which I have got, which I don't like, so I am disowning it. So you start all over again, you know. So there should be some sort of, I feel, sir, some sort of time-bound manner in which issues must be sorted. Also, there should be a minimum threshold of expectancy from a committee that they should adhere to as a form of service to members. Like you very rightly pointed out, unfortunately, people feel that when they are, taking up an honorary position, they feel it is honorary only, so forget about it. What most people don't realize is that an honorary position actually, aapki jawabdari bahut zyada ho jati hai, because you're one, there is no compensation for you. You're actually doing it out of your, you can say, the goodness of your heart or your sense of moral responsibility towards your, not only your own property, but also your neighbors, you know. So there, and black sheep are everywhere. When you do something good, also people will point fingers at you. When you do something bad, even more will point. You know, like they say, being on the managing committee is a thankless job. You know, you are, end of the day, you are khali khani khani, right? But at the same time, there should be some sort of, you know, minimum expectancy that managing committee has to perform to this particular threshold. You know, if they are doing more, fantastic. If they are being faster in responses, brilliant. But not that, you know, brush under the carpet because it's a sticky point. Rishi saab, I'll explain it to you. Time bound kaam karne ka provision MCS Act mein ek particular section mein diya hua hai, lekin limited purpose ke liye diya hua hai. Udharan ke taur pe section 75 ye bolta hai ki aapko AGM on or before 30 September ke pehle karna hai. ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपका सोसाइटी का ऑडिट ऑन और बिफोर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के 4 महीने के अंदर अंदर करना है और 6 महीने के अंदर ही अंदर आपका एजीएम लेना है. नहीं तो आप नहीं लेते हो अगर, तो क्या होता है, आप कुर्सी से उतारे जाते हो right. उतारने के बावजूद आप 5 साल के लिए मैनेजिंग कमिटी में नहीं आ सकते हो right, तो अंदर कैसे एक ख्वाहिश होती है लोगों में कि मेरे को, एक 2-4% लोगों में होती है सोसाइटी में, 100 मेंबर की अगर सोसाइटी है तो 2 या 4 या 5% लोगों में ख्वाहिश होती है कि मैं हमेशा मैनेजिंग कमिटी की कुर्सी पे बना रहूं. और 100 मेंबर की सोसाइटी में 90% की ये ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, ख्वाहिश कि झंझट झमेले से दूर रहूं मैं. Correct. I never want to come on the committee. Yes. लेकिन ये ख्वाहिश क्यों दूर रहूं, वो इन 5-10% के लोगों की वजह से. Right. So, उस एक्ट में ये दिया हुआ है कि आपने ये काम नहीं किया तो आपको कुर्सी से उतार देंगे. लेकिन right. यही चीज बायलॉज में नहीं दी हुई है. मैं अभी तक आपको यही बताने की कोशिश, आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा कि आपने फला फला काम करना है और ये टाइम बाउंड लिमिट पे करना है, और टाइम बाउंड लिमिट पे करना है, खाली उतना बोल के चुप नहीं हो जाना है. right. आपको ये बताना है कि टाइम बाउंड लिमिट पे नहीं किया तो क्या करना है उसके बाद में. right. और अगर उसके बाद में मैनेजिंग कमेटी बोलता है कि नहीं नहीं ये तो झंझट का काम है, ये तो मेरे को पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा. राइट right. तो आप ये भी तो बताइए ना कि जगह आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हो और काम right. नहीं किया right. तो वहां पर क्या होता है, वहां पे ऐसा बोलते हो क्या आप कि अरे यार मैंने काम नहीं किया तो भी मेरे को नौकरी पे रखे, वो बॉस क्या बोलता है आपको, वो आप उसी पे रखे रहता है या नहीं रखे रहता है. right. प्रश्न ये आता है Correct. अगर वो रखे रहता है तो वो बॉस मूर्ख है
और आप काम न करते हुए भी उस कुर्सी पे बने रहना चाहते हो तो आप मूर्ख हो। काम चोरी किया ना उसमें, काम चोरी किया। तो हर फील्ड में जवाबदारी जिम्मेदारी लेनी है ही है, राइट है ना। एक माता पिता है तो उसकी भी जवाबदारी है अपने बच्चों के प्रति। ये तो नहीं बोल सकता ना यार बच्चा चिल्ला रहा है चलो खाना कल देंगे उसको, राइट। सोसाइटी भी तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है ना, ऐसे हर तो हर सोसाइटी तो क्लेम कर रही है वो, हर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, और बोलते अरे नहीं नहीं परिवार है परिवार है, छोड़ो छोड़ो जाने दो, छोड़ो छोड़ो जाने दो, नहीं जाने दो नहीं, बायलॉज में क्या लिखा है वो तो कर लो कम से कम, ताकि दूसरे मेंबर को प्रोत्साहन मिले कि भाई आओ काम करते हैं हम लोग। अब ये मैनेजिंग कमेटी बोलेगा नहीं मैंने उसका चिट्ठी आया तो उसका जवाब नहीं दिया, 15 दिन में जवाब देना था, नहीं देता हूँ, जाओ जो करना है कर लो। ये तो आपने काम सुना ही होगा हर जगह पे, एक मेरी फेवरेट डायलॉग है मैनेजिंग कमेटी का, जाओ जो करना है कर लो, करेक्ट, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम मैनेजिंग हम अथॉरिटी को मैनेज कर लेगा, ये सब कॉमन डायलॉग्स है। आपने जो बोला अभी थोड़ी देर पहले ऑनररी, अरे भाई कहीं एक्ट में और रूल्स में लिखा तो होना चाहिए वर्ड, वो शब्द तो लिखा होना चाहिए ऑनररी, तो आपको खुद का बनाया हुआ है सर जी। ओ ओके, एक्ट में लिखा होगा ये थैंकलेस जॉब है, राइट, ना एक्ट में लिखा है ना बायलॉज में लिखा है ना रूल्स में लिखा है, वो तो आपने खुद ने बना लिया, राइट। मैनेजिंग कमेटी बोलती है मैं तो अपने घर का काम काज छोड़ के परिवार छोड़ के इधर आया हूँ, मैं नॉमिनेशन भरने के इलेक्शन के टाइम पे नॉमिनेशन भरने के टाइम पे ही नहीं सोचा क्या आपने, सोचा या नहीं सोचा का ऋषि साहब, तो जब उस समय नहीं सोचा तो आज ये कैसे कह सकते हो कि आज ये कैसे नहीं नहीं मैं 15 दिन तक इसका जवाब ही नहीं दूंगा मैं, तो वो भी तो बगल में मेंबर ही आपका एक्सटेंडेड फैमिली है, वो भी तो कुछ उम्मीद से आया कि भाई मुझे पासपोर्ट के लिए एनओसी दे दो ताकि मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकूं, और आप 2 महीने तक उसको बैठा के रखोगे कैसे चलने वाला सर, कैसे चलने वाला। कल एक दिन वो मैनेजिंग कमेटी बन के आया और उसने अपना खुन्नस अपना रिवेंज अपना बदला आपसे निकालने की सोचा, तो आपको कहां तक परेशान करता रहेगा, ये भी सोचा है क्या, ये सोचते रहोगे की मैं 5% में से हूँ, हमेशा एक हमेशा मैनेजिंग कमेटी में बना रहूंगा, ये सब सोशल और मॉरल बातें गलत हो जाती है ना सर जी। Absolutely. तो ऑल दिस थिंग्स इनलाइटेड इनसाइड आवर बायलॉस, आपका कोई सुझाव होगा तो प्लीज सेंड इट टू मी बाय व्हाट्सएप, एक की पॉइंट्स को बना के भेजिएगा, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट, थैंक यू सर, राइट सर, थैंक यू मिस्टर नितिन राणे, आप काफी देर से मिस्टर नितिन राणे, एक्चुअली मैंने आपको भेजा है सजेशन, लेकिन फिर भी मैं अभी बाकी लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, हम अगर कार लेते हैं तो वो भी चलाने के लिए सीखते हैं, उसका लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम कार चला सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैनेजिंग कमिटी में जो आते हैं बहुत सारे, मैंने ऐसे देखे कि सेक्रेटरी बने हैं लेकिन बायोलॉज पढ़ा नहीं है, तो बायोलॉज में ऐसा प्रावधान रहना चाहिए कि वो सेक्रेटरी या चेयरमैन बनने के बाद एटलीस्ट 3 महीने में उसके लिए ट्रेनिंग मिले, ऐसा कुछ उसमें होना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग नहीं लेता है तो उसका जो ऑफिस बेरर पोजिशन है वो वहां से उस मैनेजिंग कमेटी में रहेगा, लेकिन उसको जो पोजीशन है ना वो छोड़ना पड़ेगा। क्या है कि वो सेक्रेटरी बनना चाहता है तो इसके लिए वो जरूर वो ट्रेनिंग लेगा ही ले, कम से कम बायलॉज तो जो रजिस्टर है सोसाइटी का वो पढ़ना तो चाहिए, उसको मालूम चाहिए। तो मिस्टर राणे क्या हम ये समझे आपकी बातों से एक पॉइंट निकलता है कि मेरे को सेक्रेटरी बनना है, मैंने ट्रेनिंग लेना है उस चीज को, पहला पॉइंट है अगर मैंने ट्रेनिंग ले लिया बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करते हैं सेक्रेटरी को ट्रेनिंग लेने का है, हर 3 महीने में लेना है, हर 6 महीने में लेना है या हर साल में लेना या जो भी पीरियड पे लेना है, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया तो क्या करना चाहिए, इसका हमको जो सवाल जवाब निकालना है। दूसरा
चलो हमने उसको बोला कि 10 रुपया पर डे का पेनल्टी लगेगा आपको, ट्रेनिंग नहीं लिया तो, एक उदाहरण बोलता हूँ। फिर 3 महीने तक फिर भी ट्रेनिंग नहीं लिया तो क्या उसको मैनेजिंग कमेटी के कुर्सी से उतर जाना चाहिए? यस और नो, ये हमें डिसाइड करना चाहिए बायलॉज क्या। ठीक है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है जिस काम के लिए वो आया है कुर्सी पे, और वो नहीं ले रहा है और वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, एक्ट में भी लिखा है ना ट्रेनिंग का, बायलॉज में भी लिखा हुआ है, एक्ट में है, बायलॉज में है, अपने सोसाइटी का ऑब्जेक्ट में भी है, अपने सोसाइटी का ऑब्जेक्ट में भी है। तो अगर आप ट्रेनिंग जानबूझ के नहीं ले रहे हो, ये सर बोलिए बोलिए, अगर आप ट्रेनिंग जानबूझ के नहीं ले रहे हो, टैंडल साहब आपका, उदय कुमार टैंडल साहब आपका माइक्रोफोन म्यूट करिए ना प्लीज, थैंक यू सर। विक्रम सर आई विल कम बैक टू यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आप जब जानबूझ के ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो क्या करना चाहिए सर उसको? फिर भी कुर्सी पे बैठा के रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका? उसका समाधान बायलॉज में निकालना पड़ेगा, राइट बराबर। और अगर मेरा सुझाव ये है कि उसको पेनल्टी लगाओ पहले, और अगर वो 2-3 महीना 4 जो भी पीरियड है वो नहीं लिया तो उसको मैनेजिंग कमेटी से उतर जाना चाहिए, ये भी बायलॉज में रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स बनने तक वो उसने ट्रेनिंग नहीं आया लिया नहीं तो चलेगा, लेकिन एक बार अगर वो कुर्सी पे बैठा है, एटलीस्ट सेक्रेटरी चेयरमैन ट्रेजरर जो कोई है नथिन ऑफिस बेरर, वो तो एटलीस्ट 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग लेना चाहिए। एक बार भी लिया तो भी चलो 5 साल के लिए वो उसके दिमाग में थोड़ा तो रहेगा ऐसे, ठीक है एक्चुअली अमेंडमेंट्स वगैरह इतना अपडेट भी होना चाहिए, लेकिन वो चलेगा, लेकिन बायलॉज तो कम से कम उसको मालूम होने चाहिए। Yes. क्योंकि बहुत जगह पे मैंने देखा कि वो सेक्रेटरी बायलॉज भी नहीं पढ़ता है। सर वो सेक्रेटरी बायलॉज पढ़ने के लिए नहीं आया हुआ है। बॉम्बे की भाषा में मैं अगर बॉम्बे की भाषा में मैं मुंबई करूं तो मैं मुंबई की भाषा बोलने के लिए थोड़ा बहुत उत्साहित रहता हूँ। वो आया है कुर्सी गर्म करने के लिए, वो आपके काम करने के लिए नहीं आया हुआ है, तभी वो आपको बोलता है मैं तो ऑनरेरी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना घर बार छोड़ के आया हुआ हूँ इधर, तो तुम्हारे लिए आया हुआ हूँ क्या मैं? ये आपने डायलॉग पहली बार नहीं सुना है मेरे मुंह से, ये कई बार सुन चुके हो आप, करेक्ट है? सो डोंट से, आप ये मत बोलो कि वो ट्रेनिंग लेने वाला, वो नहीं लेने वाला है जब तक आप ये नेगेटिव डिटरेंट क्लॉजेस नहीं डालोगे। इसीलिए उसमें वो क्लॉज चाहिए कि वो अगर उसने ट्रेनिंग नहीं लिया तो 3 महीने के बाद उसका कुर्सी उसको वैकेंट करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग जो ऑफिसर है वो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको कुर्सी चाहिए ना, तो वो ट्रेनिंग लेगा ही लेगा, वेरी गुड पॉइंट, उसको कुर्सी चाहिए ना, वेरी गुड, वो ट्रेनिंग ही लेगा, वेरी गुड पॉइंट। तांडल साहब आप कुछ बोल रहे थे ये विषय पे, सर कहां ट्रेनिंग लेगा वो? तांडल साहब, उदय कुमार तांडल, इस सिलसिले में मेरा एक ओपिनियन ऐसा है सर, मेरा ऑब्जर्वेशन भी ऐसा है कि जो सोसाइटी के कमेटी मेंबर ये नॉलेजेबल नहीं रहते हैं और उनके बिना कोई दूसरा भी नहीं आता है, ऐसे बहुत से सोसाइटी है कि कैसे सोसाइटी चलाए। मेरा इस बारे में एक ऑब्जर्वेशन और सजेशन ऐसा है कि ऐसे सोसाइटी ने सोसाइटी मैनेजर अपॉइंट, वेल ट्रेंड मैनेजर अपॉइंट करना मैंडेटरी होना चाहिए। इसका ऊपर गवर्नमेंट का भी ध्यान होना चाहिए, रजिस्ट्रार का भी ध्यान होना चाहिए, और एक ऐसा कानून बायलॉज में प्रोविजन होना चाहिए कि एक सोसाइटी मैनेजर जो वेल ट्रेंड है, जो कि फेडरेशन से 3-4 महीने का ट्रेनिंग लेके पूरा कानून का हित में है, सबके सब मेंबर्स को बायलॉज और कानून का नॉलेज होना इम्पॉसिबल है और प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उसका जो स्टेयरिंग जो है वो उस आदमी के हाथ में जाना चाहिए जिसको बेसिक नॉलेज सोसाइटी का हो, ये सोसाइटी मैनेजर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी करना चाहिए और कमेटी को वो गाइड करे, और ही विल बी ए पुल बिटवीन कमेटी एंड मेंबर्स। ओके थैंक यू। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है दानिल साहब, बनी काफी कुछ समझ में आ गया हुआ है, थैंक यू फॉर सजेशन मिस्टर मोरे, आई विल कम बैक टू यू इन द लास्ट। विक्रांत साहब आपका एक छोटा सा प्रश्न है प्लीज, छोटा सा कमेंट। मेरा ये आई एम ऑडिबल सर? हेलो
विक्रांत साहब हाँ जी सर, मेरा सजेशन है कि कोरस एज पर एक्ट एंड बायलॉ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द मेंबर विद द सोसाइटी, इसमें क्या है कि मेंबर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता सोसाइटी से, ही कैन ओनली आस्क अबाउट द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, स्ट्रक्चरल ऑडिटर रिपोर्ट एंड प्लस ओनली द कॉरेस्पॉन्डेंस पर्टेनिंग टू हिम। अगर ये किसी दूसरे मेंबर के बारे में पूछा गया है उसके लिए उसके सोसाइटी बोलते यू आर नॉट एंटाइटेड टू इट। अब क्या होता है कई बार सोसाइटी मेंबर रजिस्टर में जाते कंप्लेंट करने के लिए एंड समटाइम्स द रजिस्टर गिव्स इन फेवर ऑफ द मेंबर और इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, और कई बार कुछ मैटर्स कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जाते हैं। अगर ये मेंबर कोई मेंबर चाहता है कि उसके बारे में रजिस्टर में क्या कंप्लेंट हुई थी और क्या डिसीजन आया, जैसे यू आर नॉट एंटाइटेड टू इट, आई फील दिस इज लाइक यू मीन यू शुड बी अ पब्लिक स्टेटमेंट, लाइक एवरी मेंबर शुड बी एंटाइटेड टू व्हाटएवर द कम्युनिकेशन द सोसाइटी हैज विद द अदर मेंबर्स। दिस इज माय सजेशन इफ इट इज इंसर्टेड इन द बायलॉज, बिकॉज कई बार क्या होता है रजिस्टर में जाने से सोसाइटी ऐसा केस कॉम्प्लिकेट कर देती है मैनेजिंग कमिटी मेंबर दैट यू नो अदर मेंबर्स विल बी अवेयर की। एक मैं एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो अभी इजाजत हो, हमारी सोसाइटी में केस था वी हैड टू शेयर सर्टिफिकेट, आई मीन टू लीव्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, वन शेयर सर्टिफिकेट वाज हैविंग फोर शेयर्स एंड अदर लीव वाज हैविंग ओनली वन शेयर। मेंबर ने नॉमिनेशन किया, अभी जब नॉमिनेशन करने गया तो सोसाइटी ने रजिस्टर में एक शेयर सर्टिफिकेट, एक शेयर सर्टिफिकेट का जो लीव था जिसमें चार शेयर थे उसमें तो रजिस्टर कर दी एंट्री, दूसरे में किया नहीं। अभी वो उसने नॉमिनेशन करके उसको 15 साल हो गए, मेंबर की डेथ हो गई, जब उसका नॉमिनी गया तो बोलते तुम्हारे फादर ने इनकम्प्लीट किया था नॉमिनेशन, दूसरा शेयर सर्टिफिकेट में किया रजिस्टर, आई वॉज असिस्टिंग हर, तो रजिस्टर ने बोलते दिस इज टेक्निकल एरर, सोसाइटी हैज टू ट्रांसफर द नेम ऑफ नॉम। अगर यही अगर ये बाकी मेंबर्स मांगे क्या सोसाइटी ने प्रिंट फाइल किए और क्या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किए दूसरे एंड व्हाट वाज द रजिस्टर डिसीजन, तो क्या होता है बाकी मेंबर्स अवेयर हो जाएंगे कि जो मैनेजिंग कमेटी मिसगाइड करती है या जो फ्रॉड करना चाहती है, एटलीस्ट इट विल बी ट्रांसपेरेंट लाइक हाउ दे कैन एक्ट। एक तरफ तो बोलते हैं सोशल काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आई बिलीव 90% मेंबर्स सोशल काम कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज 1% ऑफ द सोसाइटी वेयर द कमेटी मेंबर्स आर ऑल यू नो मींस आई वोंट कॉल देम दे आर डूइंग सोशल वर्क। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका और कोई सुझाव होगा विक्रांत साहब तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, थोड़ा की डॉट टाइप का बना के डाल दीजिए। ऑल फ्रेंड्स आर रिक्वेस्टेड कि आपको बायलॉ संबंधित जो भी आपके विचार हैं कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए या ये एडिशंस होना चाहिए या ये डिलीशंस होना चाहिए, आई थिंक वी कैन डू इट। मेरा एक और भी सुझाव है जो मैं आपके फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि हम लोग को बायलॉज के अंदर कंप्लेंट के फॉर्मेट्स भी डालने हैं, वो फॉर्मेट जो मैनेजिंग कमेटी को भी मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेंट करना है, अलग अलग फॉर्मेट। एक फॉर्मेट वो होना चाहिए जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार को जाए, एक फॉर्मेट वो होना चाहिए जो ऑडिटर को जाए, वगैरह वगैरह पुलिस स्टेशन को जाए, जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड है क्वेरीज वो भी फॉर्मेट, जैसे अपेंडिक्स में कैसे लिखा हुआ है वी शुड डू इट। जैसे मैंने बताया पहले कि ये जो बायलॉज आप देख रहे हो आज के दिन पे, ये एक ऑर्थोडॉक्स बायलो हो गया है जिसको हिंदी में शायद धक्के अनुसी बोलते हैं, 1960 से वही 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 चला आ रहा है, छोटा मोटा ट्विकिंग ऑफ वर्ड्स कर देते हैं और वही चला, लेकिन उसमें इम्प्रोवाइज नहीं किया हुआ है। मैनेजर जनरल बॉडी के मेंबर को, साधारण सोसाइटी मेंबर को ये पता नहीं है कि मैं कंप्लेंट कैसे करूं, क्या शब्द यूज करूं, आई थिंक वो भी एक पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए बायलॉज में। थैंक यू मिस्टर विक्रांत। प्रकाश मोरे साहब, hello, thank you sir for giving me opportunity. Yes sir. My suggestion will be, of course the point has been discussed regarding the waiving off of all the interest or rent, which is I'm against of it, then the repairing of flats, beam and pillar should be done by the society, any flat before entering into the repairing work of the flat, and third and most important is whenever there is a registration or the person selling a flat or registering in the office, the society should give one booklet of model bylaws, and the site of the government should make a site where, you know, the latest amendment should be updated there. So anybody wants it, he can take out immediately. Otherwise, they have to beg for here and there, and the members don't get half-hearted information. One is going according to the previous amendment.
the other one is going with the latest because he has got a contact, right? So this is my suggestion. That's also. Thank you very much. मोरे साहब, आपको ये बता दूं कि मॉडल बायलॉज की कॉपी यहाँ वहां से ला के कुछ मतलब नहीं है. आपके सोसाइटी का बायलॉज स्पेसिफिक बायलॉज होता है. ओके, आपके सोसाइटी ने अलग अलग अमेंडमेंट्स कर रखे होंगे जो सोसाइटी नंबर एक ने या चार ने या दसवें ने या नब्बेवे में नहीं कर रखे होंगे. तो व्हेनेवर हु वांट्स टू एंटर योर सोसाइटी एज ए मेंबर हैज टू लुक ओनली एंड ओनली एट योर बायलॉज, नॉट एट द मॉडल बायलॉज. क्या आपके अपने खुद के बायलॉज में आपने काफी अमेंडमेंट्स कर रखे होंगे? सर, कैन आई आस्क यू वन थिंग? यस सर. As per your experience, because I am not expert having the experience of online. How many societies gives the amended bylaws to the deputy registrar? Or is there any, they are having a record of it, ki this bylaw, they have modified it, which is, you know, we can incorporate. There are not less than, let us say, agar percentage mein dekha jaye. You can say कि बॉम्बे की बात करते हैं, because I am from Mumbai का. Yeah, I am from Mumbai. में बॉम्बे में लगभग 2-5% होता है societies अपने अपने bylaws को amend कर लेती है. Right. Okay. I do that for them. That is why I am saying it. Okay. But generally it is on the which area they are doing it. Either it is the festival or common contribution for the this thing, right? Or is there any different from the out of the typical bylaw that is amended is what, like, you know, penalties. Yeah. So they define, let us say, 10 penalties. Yeah. कि भाई दरवाजे के बाहर में साइकिल रखा ये पेनल्टी लगेगा. Right. कचरा नीचे फेंका ये पेनल्टी लगेगा वगैरह वगैरह. फिर सेकंड आता है कि भाई आपने बीएमसी का कुछ कुछ वायोलेशन किया, जैसे कि वह एमलगेमेशन किया. Right. या कचरा नीचे फेंका या पिजन फीडिंग किया. Right. कबूतर को खाना डाला. कबूतर को आप खाना डालते हैं ना, ऐसे फेंकते हो. Right. तो आपका जो जुआरी है वो दूसरे बरकत के, होती है सर, बरकत होती है के खिड़की के रेलिंग में जाती है. नहीं, बट इट सेज कि बरकत होती है आपकी. बरकत होती है उस फार्मर की जिसके जुआरी आप खरीदते हो, और बरकत होती है वो ट्रांसपोर्टर की या बनिया की जो जिससे आप जवारी लेके आते हो ना, जो डालते. लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि पिजन का ड्रॉपिंग्स जो है वो आपको अस्थमा देता है. यस सर. तो वो बरकत वैसी होती है, आपकी हेल्थ में डिटरेशन वाली बरकत होती है. तो ये सब चीजों की पेनल्टी लेवल आ जाती है. फिर बाद में एनओसी चार्जेस का हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर, अलग अलग एनओसी के, कि भाई पासपोर्ट का एनओसी के लिए इतना देना है आपको. ये सर स्मॉल रेवेन्यू सोर्स फॉर द सोसाइटी, है ना, अलग अलग, जैसे पासपोर्ट के लिए हो गया, गैस के लिए हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल चेंज करने के लिए हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह. तो दीज आर कॉमन थिंग्स. देन ऑल्सो इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर चेंजेस कैन बी डन ऑन एनओसी चार्जेस ऑल्सो, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का नहीं, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का क्या 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 होना चाहिए, जैसे अभी टिपिकली बोलते हैं कि शिफ्टिंग चार्जेस अलाउड नहीं है. अलाउड इसके लिए नहीं है क्योंकि आपके बायलॉज में प्रोविजन नहीं था. Right. आप ब्राइवेलर्स के बायलॉज में प्रोविजन डालो, डीआर से अप्रूव्ड का ठप्पा लेके आओ, ये लीगली 100% लीगली पॉसिबल, आप लागू करो. एज आई टोल्ड यू के सर्टन क्लॉजेस विच आर नॉट अगेंस्ट द लॉ, बीएमसी, एमआरटीपी, फायर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह वगैरह, those you can incorporate it in your bylaws. आप ये नहीं incorporate कर पाओगे कि society has allowed you to do amalgamation of the flats. Right. तो MRTP BMC के विरुद्ध गया. Right. बरो? तो ये सारे जो कानूनी तौर से possible है वो आप कर सकते हो. Right. I'll request you also to please send me key points. Yes, sir, sir. On sir. This thing. One Mr. Hari Murlidhar wants to speak. Please. Mr. Hari Murlidhar, are you there? Yes, I'm here very much. Okay. Good evening, everybody. I have a few points. जो कुछ पहले पैनलिस्ट ने बोला कि M20 बॉन्ड को वापस लाया जाए, this is a good suggestion, लाना चाहिए. Accountability and transparency of the office bearer, because क्या होता है
क्योंकि बॉन्ड साइन करेगा तो यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरी लॉस एरर, अगर आपने कोई करप्शन किया तो आप उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, नहीं तो फिर कोई अकाउंटेबिलिटी बनता नहीं है। उस चीज के लिए आप लोग सजेशन में डालिए। वन पॉइंट जो मैंने ना डीडीआर से बात की थी दो तीन बार, कि एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घर बड़े बड़े होते हैं, मतलब महंगे होते हैं, 50 लाख किसी के, करोड़ किसी के, 2 करोड़ 3 करोड़ के घर होती है। अभी वो बंदे का तो घर तो निकल के नहीं जाएगा, उसको वो बंदा उसी सोसाइटी में रहता है, तो बोला एक्सपल्शन ऑफ मेंबर फॉर हाउसिंग सोसाइटी के लिए कुछ अलग रूल बनना है। इसके बारे में डिस्कशन ही हुआ, कुछ आया नहीं आउटपुट। आप अगर आप लोग इस मॉडल पॉइंट ऑफ डिस्कशन करोगे तो जरूर उस पर लाइए कि एक्सपल्शन फॉर कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स, ओके, उस पर क्या आप लोग का प्लान है। बिकॉज एक्सपल्शन ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है उसको एक्सपेल कर देंगे सोसाइटी से, ये वो कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, प्रॉपर्टी तो नहीं बेच सकते ना, तो उस चीज पे आप देखिए ना। तो ये मेरी पॉइंट थी। M20 बॉन्ड रीइंस्टेट किया जाए एंड उस पे क्या करना है, इफ यू इज देयर एनीवेयर वी कैन राइट प्लीज रीइंस्टेट M20 बॉन्ड, बिकॉज लोग शौक से आते हैं कुर्सी पकड़ने के लिए, मगर वो जब ट्रांसपेरेंसी के जब हम पूछते हैं, वन मोर जेंटलमैन हु सजेस्टेड वेरी गुड सजेशन कि इंटरनल ऑडिटर शुड बी मेड एज मैंडेटरी, है ना, ये ठीक है। अगर ये मॉडल बायलॉज में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अगर देर कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर हु कैन कीप अ वॉच, यू नो, अगर कुछ है तो ही कहेंगे, तो क्या साल में एक बार दिखाएंगे बुक बिफोर द AGM कि आप दे बुक ऑफ अकाउंट देख लीजिए, उसमें कुछ समझ में नहीं आता बहुत सारी चीजें, है ना सर। यही मेरा सजेशन था, थैंक यू। Mr. Murugan, I want to ask you something. I have time. Sir, I want one suggestion. Mr. Murugan, are you there? हाँ, बोलिए बोलिए। I'm here. Sir, what do you understand by expulsion? थोड़ा सा ये भी बता दीजिए आप। किसी member को expulsion करते हैं from the house, मतलब उस cooperative society के membership से, तो उसको घर छोड़कर जाना पड़ता है उस building से। ये जो होता है, जो हो नहीं, possible नहीं है। ओके, हाउसिंग सोसाइटी में कैसे एक्सपेल करेंगे आप किसी रीजन से, मैं सारे लोग ने डिसाइड कर दिया इसको एक्सपेल्शन करना है, ठीक है। अगर एक्सपेल्शन डिसाइड हो गया तो क्या करोगे, क्या वो बंदे को उसको घर बेच के जाना पड़ेगा, उसके घर पे ताला लगा दोगे, क्या करोगे? रिकवरी हो तो समझ सकता हूँ। वन मोर पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, जिस तरह से पहले भी था कि किसी की ड्यूज होती है तो दे हैव टू गो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार टू गो एंड फाइल अ कंप्लीट क्लेम ऑन इट। डोंट स्लीप ओवर इट फॉर 10 years, 5 years एंड दे से अभी इतना आपके accumulated आपको देना है। Why didn't you go 2 years before within the time frame of 1 or 2 years? तो time limit decide कर देना चाहिए। तो आपका ये सुझाव है कि जो time limit है recovery proceedings वगैरह के लिए। हाँ। Mr. Megur, can you mute yourself, please? हाँ जी, yes, Mr. Megur, can you mute yourself, please? Okay. तो आपका ये सुझाव है मुरलीधर साहब कि रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं फाइल किया तो फला फला चीजें मैनेजिंग कमेटी के ऊपर लागू होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं फाइल किया तो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, ये तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि भाई नहीं, हमको तो 21% इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें क्या, हम 10 साल तक रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं करते। लेकिन आपको ये भी बता देना जरूरी है कि आपका जो ड्यूज है वो एंडलेसली रिकवर नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि 20 साल तक नहीं रिकवर हुआ, उसके बाद 20 साल के बाद में रिकवरी होता है, कानून वो अलाउ नहीं करता है। ओके? फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपने रिकवरी ड्यूज का प्रोसीडिंग फाइल नहीं किया क्योंकि एक्ट में लिखा है कि 3 महीने का आउटस्टैंडिंग ड्यूज हुआ तो वो डिफॉल्टर है और उसको रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करनी है, आपने नहीं किया तो मैनेजिंग कमेटी को जो नुकसान होने वाला है, मानो 20 साल के बाद में फाइल करता और नहीं रिकवरेबल हुआ तो कौन सी मैनेजिंग कमेटी है उसके लॉसेस को बेयर करने के लिए। तो शुड बी पुट दिस पर्टिकुलर क्लॉजेस आल्सो इन द बायलॉस कि मैनेजिंग कमेटी लायबल टू फाइल रिकवरी प्रोसीडिंग्स आफ्टर 3 months फॉर सो एंड सो थिंग्स, इफ नॉट सो एंड सो थिंग्स शुड बी हैपनिंग टू द मैनेजिंग कमेटी, पेनल्टी और जो भी है वो नेगलिजेंस डेफिशिएंसी वगैरह। आपको ये भी बता दें कि सेक्शन 73(1)(ab) में सारे के सारे मैनेजिंग कमेटी आर लायबल फॉर देयर नेगलिजेंस एंड डेफिशिएंसी।
not filing a recovery proceedings also constitutes negligence and deficiency. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे पेनल्टी का क्लॉज नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है कि आप कुर्सी से उतर जाओगे. अभी जो नया अमेंडमेंट आया 2019 में, उसमें इनडायरेक्टली कुछ पेनल्टी क्लॉजेस डाले हुए इनडायरेक्टली, लेकिन उसको एक्टिवेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक लीगल लेक्यून आप पे चला गया हुआ है, उसमें डिस्क्रिशन है, छूट गया हुआ है, वो अलग अलग रास्ते दिए हुए, तो उस रास्ते से वो बच के निकल सकता है. तो अकॉर्डिंग टू यू शुड वी पुट सच क्लॉजेस इन टू द बायलॉज, दैट इज माई क्वेश्चन. और भी कोई फ्रेंड्स है तो वो भी आंसर कर सकते हैं प्लीज. डेफिनेटली वी शुड पुट सच पॉइंट्स बिकॉज़ आई हैव सीन वेरियस रीजन डिस्क्रिपेंसीज रहती है एंड ड्यू टू विच डिस्प्यूट्स कीप ऑन एक्युमुलेटिंग. Members has dispute regarding some financial, saying that ये amount आपके सही नहीं है, वो सही नहीं है, and then the issues linger on. वो बोल रहे हैं हाँ करेंगे नहीं करेंगे, कुछ charges जिस तरह से अभी आपने बताया कुछ charges वो करेंगे, they don't agree, और फिर वो नहीं भरते हैं. और कई बार तो मैंने ऐसे देखा हूँ, मेरे सोसाइटी में एक बंदे का 15 साल से उसकी आउटस्टैंडिंग बता रही थी, अभी उस क्लेम उसका रिकवरी डाला है, तो ही वॉट एवर हिज इशूज वॉज दे नेवर रिजॉल्व इट. And when they did not resolve, now they have gone for dispute with to the deputy registrar. मैंने बोला ये if you had resolved on time, this would not have lingered in such a long time. No? And sir, M20 bond पे आप लोग कुछ कीजिए वापस अगर लाना पड़ा, because कल मैं भी managing committee में होगा. Everybody is accountable and responsible. आज मैं हूँ, कल कोई दूसरा रहेगा. But responsibility से सबकी accountability सबकी रहनी चाहिए. Whoever sits in the chair. Yes. Thank you. Very good. It's already 9:45. We can take up only one last query. Sir, I want to speak. Anil Patrave sahab, last mein advocate behind. We'll take up his last query and then we'll conclude today. Mr. Virana Megar, aap apne next jab hum session karenge iske upar committee ke upar jab aap lijiye. Okay sir. Okay sir. Anil Patrave sahab, are you there? Yes sir. Good evening everybody. Yes, sir. अभी सर मैं पूरा डिस्कशन पूरे ध्यान से सुन रहा था. अभी M20 बॉन्ड के बारे में बात हुई, अभी एसोसिएट मेंबर के बारे में बात हुई, अभी मैनेजिंग कमिटी के बारे में बात हुई एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अभी मुझे क्या चाहिए कि जो एसोसिएट मेंबर का जो डेफिनेशन इस वक्त है, इट इंक्लूड्स नेफ्यू नी सन फलाना ढिकाना जो कि मेंबर नहीं है सोसाइटी के, वो ना ही जॉइंट मेंबर है और ना ही वो को ओनर है. तो ऐसे लोगों को इस वक्त हम लोग एसोसिएट मेंबरशिप देकर उसको हम लोग इलेक्शन में खड़े रखवा रहे हैं, उनको सेक्रेटरी बनने दे रहे हैं, उनको चेयरमैन बनने दे रहे हैं, और जिनका सोसाइटी से कोई भी इतनी सा भी संबंध नहीं है. तो मैं इस फॉर्म मैं भी इसी मत पे हूँ कि ये जो M20 बॉन्ड है वो लेना जरूरी है, प्लस उसके साथ में जो एसोसिएट मेंबर की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ दो ही लोगों को इन्वॉल्व किया जाना है, एक ओनर और दूसरा को ओनर या जॉइंट ओनर, इससे ज़्यादा नहीं. तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बायलॉस में अभी जो रिफॉर्म करवाएंगे तो ये पॉइंट जानबूझ के आपको उसके अंदर में डालिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर ये. क्योंकि क्या है, कोई भी आके कुछ भी करके चले जाएगा जो कि नॉन मेंबर रहेगा सोसाइटी का, इलेक्शन में जीतेगा, सेक्रेटरी बन जाएगा, सब कुछ करेगा जो उसको करना चाहिए, और उसके बाद में निकल जाएगा, और जो ओरिजिनल मेंबर से हमारे सामान वो हाथ धोते रह जाएंगे. इसलिए M20 बॉन्ड तो लाना ही लाना है, और साथ में एसोसिएट मेंबर की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज करवानी है. बस थैंक यू सर, मुझे इतना ही बोलना. ओके, कंक्लूडिंग पे मैं 2 मिनट और इस चीज पे बता दूं कि M20 पॉइंट क्यों हटा गया था. सर्टन यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस, सर्टन पॉलिटिशियंस वेयर रिप्रेजेंटेटेड कि भाई ये M20 पॉइंट होता है तो हम काम नहीं कर सकते, हम तो ऑनरेरी काम कर रहे हैं, हम तो अपना परिवार को छोड़ के काम करने आ रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसी जवाबदारी डाली जाएगी. तो M20 बॉन्ड में उस समय फाइनेंशियल लायबिलिटी का प्रोविजन नहीं था, खाली कुर्सी से उतर जाने का प्रोविजन था. आज भी है, M20 के माध्यम से नहीं है लेकिन और किसी माध्यम से है, टेक्निकल है पर हो सकता है. तो
तो वो M20 का जो क्लॉज जो पॉइंट था वो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से हटा दिया गया था। अब प्रश्न ये आता है कि M20 तो नहीं लेकिन क्या बायलॉज में हम ये प्रोविजन डाल सकते हैं कि जो भी मैनेजिंग कमेटी आता है या ऑफिस बेरर आता है क्या ही शुड एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, दैट इज अ क्वेश्चन। इज देयर एनी कोई कानूनी बंदिश है क्या इस चीज को एग्जीक्यूट करने में, रोक है क्या, मनाई है क्या? ऐसा मैं ऐसा कह रहा हूं कि इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए कोई मनाई नहीं है। अगर आप बायलॉज में डाल देते हो तो कोई दूसरा कानून, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या और भी कोई एक्ट में मनाई नहीं है। तो आप ये डाल सकते हो कि हर मैनेजिंग कमेटी को ये अंडरटेकिंग देना है फला 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 तरीके से कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा या मैं ये सब काम टाइम पे करते जाऊंगा। उसका क्या क्या करना है उसको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली। वो हम मुद्दा एक्चुअली बायलॉज कमेटी में डिस्कस करेंगे। आपका कोई सुझाव होगा तो इस पर आप जरूर भेजिएगा। सो वी विल कंक्लूड, लगभग 10 बजने को आ रहे हैं। आई डू नॉट नो वेदर अवर एडवोकेट फातिमा फौजदार मैडम इज देयर, अवर प्रेसिडेंट। यस सर, आई एम वेरी मच देयर, वेरी मच देयर सर। ओके, आई कुड नॉट मेक आउट वेदर यू आर देयर और नो मैम, बट एनीवे आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्पीक ए फ्यू वर्ड्स बिफोर वी कंक्लूड दिस वेबिनार फॉर टुडे। या, वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एज़ वेल। Well, the session has been very interesting. There are many points which there can be many do's and don'ts, like the penalty on interest, the principal and interest. That should not be waived out. I totally agree with Mr. Prakash, because the person who is paying, why should he suffer? By waiving off, we are just letting go the person who is not paying and encouraging non-payment in the end. Second thing is about, I'm very anti-managing committee because I feel the managing committee does not do its job and there are members who don't come forward. So that should be made compulsory that every member should participate in the meetings. That point should be added in the bylaws, whether you like it or not. If not, they should be penalized. And the penalty on the managing committee, we have to be very specific as to who will pay these charges. Because managing committee, when we say, it all comes as a liability on the society. So whether they will pay it out of their pockets or whether the society will pay. So there has to be a very clear cut demarcation on that. And in another session, which maybe we do next week or the week after that, I would like to speak about redevelopment. This point should be incorporated in the bylaws, where in 100% members permission should be taken for redevelopment, because there is a law, strong nexus between politician, corporation, corporators and builders, and all the members are not taken into account. Only the few people who are their well-wishers, they are taken into account and the redevelopment agreements are being signed. So this should not happen. There are so many flat owners who are female senior citizens and they are left out, so they should not suffer in the redevelopment agreement. So that's it, sir. Otherwise the session has been very good. And always looking forward for more sessions, and hopefully let's see, things should work out in the right. And the bylaws should be set up in framework with the law, because see, the bylaws say something, the law says something. So the bylaws and the law should be on the same page. So that would give more clarity to the members also, and to the person who will perform their duties also. And they should be made liable for everything that they do. Thank you, ma'am, for your kind words and understanding words. I understand कि ये subject इतना vast है कि आज के ढाई घंटे होने को आ गए, फिर भी हमने काफी कुछ अधूरा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद 10 या 20% भी cover नहीं हुआ, काफी कुछ अधूरा है। तो हम लोग we'll keep on doing it, and I thank all our friends over here who have participated. They have actively participated. I understand that, and I am very much thankful for them. Now, with the permission of all our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you. Thank you, ma'am. And thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye-bye.